थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा ना। चिक हेलो 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 चिक हेलो 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 चिक हेलो 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 नीलेश हेलो चिक हेलो 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 भाई चिक हेलो चिक हेलो हेलो आवाज आ रहा है क्या? ऑडियो क्लियर है क्या? मेरी आवाज आ रही है अब तक सबको क्लियरली आ रही है क्या? इधर नहीं आ रही है कुछ भी यार, नहीं आ रही है। हेलो चिक हेलो हेलो अभी आ रही है, अभी जोरदार आ रही है, गुड। आप थोड़ी ज्यादा आ रही है ना, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो, बस स्लाइटली कम कर दो। हेलो चिक हेलो 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 अभी ठीक है। आई टोल्ड यू कि आपको एक होमवर्क करना था, आपको हमारे जो नोट्स थे उसके ब्लैंक पेज पर लेवरेज के फॉर्मूलेस विदाउट देखे लिखने थे। अब आपका प्रॉब्लम यह है कि आपको याद आता है अभी, जब मैं बोलता हूं तो याद आता है अभी। रैंडमली यहां से मैंने 15 होमवर्क चेक किए, 15 में से हार्डली 3 लोगों ने होमवर्क किया था, 3 से 4 लोगों ने। हाँ तो भाई, हाँ होमवर्क चेक करने गया था रैंडम बेसिस पर, और अगर ऐसे ही रहा तो बिलीव मी कोई फायदा नहीं है इतने अच्छे क्लासेस कर, इतने अच्छे से पढ़कर कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो। चंद्रा नॉट अलाउड फोन्स, अभी आपका फोन मेरे पास आ गया, मेरा माइक चालू हो गया, आपका फोन बंद होना चाहिए था। फोन पास करो आगे, उसका उसका फोन पीछे से आगे दे दो, दे दो बेटा, छीन के ले लो उससे। हाँ चलो हो गया क्या? यहां पर टैब्स दे दो ना। अच्छा बोली, म्यूट कर दें, म्यूट ऑल, ऐप में म्यूट ऑल कर दें, रोज करना ही है। हाँ स्टार्ट कर दें। यस माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अगर आपको याद होगा तो हमने लेवरेजेस स्टार्ट किए थे। भाई येलो टी शर्ट अंदर घुस जाएगा, तू सामने देख ले, ठीक है? इधर ध्यान दे, बाद में पता चला कि गर्दन ऊपर ही नहीं हो रही है, जरूरत गिरती है गर्दन ऊपर करने की। करना क्या चाहते हो ऐसे?
एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो? चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड यहां पर हम लोगों ने कल लेवरेजेस स्टार्ट किए थे, आज आप लोगों के साथ फॉर्मूले रिवाइज करना है। ठीक है, ये माइक जो है ये फोर्थ बेंच पे पास कर दो। और यस, ठीक है, बोलेगा फॉर्मूलेस। चलो सबसे पहले कितने टाइप के लेवरेजेस थे? हर एक आंसर बाकी क्लास देगा मगर तू माइक में देगा। ठीक है, तीन टाइप के लेवरेजेस होते हैं। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा फाइनेंशियल, और तीसरा कंबाइंड लेवरेज। वेरी गुड। जब हम ऑपरेटिंग बोलते हैं तो ऑपरेटिंग पार्ट याद है क्या? कहां से शुरुआत होती है? माइनस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। मिलेगा क्या? वेरी गुड। कॉन्ट्रीब्यूशन। लेस क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। मिलेगा क्या? ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बराबर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एक ही बात है। नाउ व्हेन वी से ऑपरेटिंग लेवरेज, वी वांट टू इंक्रीज अवर सेल्स एंड देयर बाय हैव मोर इंक्रीज इन डैश। वेरी गुड, ईबीआईटी। एंड देयर बाय हैव मोर इंक्रीज इन ईबीआईटी। तो चलो फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो फोर टाइम्स है। कितना? फोर टाइम्स। तो माइक में आप उसका मीनिंग बताओगे? फोर टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज। फोर टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज मीनिंग क्या हुआ? सेल्स। ट्राई करो, गलत सही वगैरह वो छोड़ दो, बट ट्राई करो। EBIT से इंटरेस्ट बढ़ेगा अपना, सेल्स। DOL फोर टाइम्स। DOL फोर टाइम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DOL फोर टाइम्स? EBIT अगर कंपेयर करेंगे एज पर टू सेल्स, तो EBIT अगर कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू सेल्स, देन फोर टाइम्स बढ़ेगा अपना EBIT फोर टाइम्स। एग्जांपल दो। हाँ, कल का एग्जांपल है वो सेल्स। फोर टाइम्स का एग्जांपल चाहिए मुझे, फोर टाइम्स का इंटरप्रिटेशन चाहिए मुझे। यहां पर आ चुके आंसर्स ऑलरेडी, ऐप में सब लोग आंसर दे रहे हैं। सेल्स अगर 10% से बढ़ाएगी तो ईबीआईटी 40% से। एग्जैक्टली, सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो ईबीआईटी आपका 40% से बढ़ेगा। फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स द ईबीआईटी विल चेंज बाय 4%। That is called as four times का DOL. Are you understanding? तो चलिए for example, आपका DOL four times है, okay? आपका DOL four times है और मुझे मेरी कंपनी का प्रॉफिट डबल करना है, मुझे मेरी कंपनी का प्रॉफिट डबल करना है, तो मैं कितने परसेंट से सेल्स को बढ़ाऊ? 8%? 50%? इसलिए क्वेश्चन पहले सुनने का फिर आंसर करने का। पहले क्वेश्चन सुनो, अगर मेरे कंपनी का ड्यूएल फोर टाइम्स है एंड आई वांट टू डबल माय प्रॉफिट, डबल माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देन हाउ मच शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स बी? कितना होगा? 25%। कैसे सर? अरे बाबा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर टाइम्स ड्यूएल यू टोल्ड मी जस्ट नाउ? सेल्स अगर 1% से चेंज हुआ तो आपका प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी 4% से चेंज होगा। मुझे मेरा प्रॉफिट डबल करना था, प्रॉफिट अगर डबल करना है तो माने के मुझे चेंज इन प्रॉफिट कितना करना है? हाँ, प्रॉफिट अगर डबल करना है तो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट कितना होगा? 100%। अरे बाबा, 1,00,000 का प्रॉफिट 2,00,000 करना है तो 100% से चेंज करना पड़ेगा, मतलब पूरे 1,00,000 से चेंज करना पड़ेगा ना। जेपिंग क्या?
मैथ्स के दुश्मन हो। अब इसका मतलब यहां पर चेंज इन इनकम आएगा 100%, तो चेंज इन सेल्स कितना आएगा? 25% आएगा ना। अरे आप समझा कि नहीं? यस। YouTube पर कमेंट क्यों नहीं आ रहे भाई? ऐसे फालतू के कमेंट मत करो, मेरा सीरियल की नहीं आया, मेरा पोस्ट से ये नहीं आया, जो भी नहीं आया भाई आ जाएगा। इधर ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। मैं आपको यहाँ पर लाइव आकर इसलिए नहीं मिलता हूँ कि मैं आपका डिलीवरी बॉय हूँ और यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं आपको, हाँ आज शाम को आपका पार्सल आएगा सर, OTP बताना। हद हो गया यार, नहीं आया नहीं आया, देख लो भाई, जब तक YouTube पे चल रहा है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? इधर कंसेप्ट पे ध्यान दो। बोलो, समझा क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से? ओके, नाउ अगर सेल्स से लेके EBIT वाले पार्ट को ऑपरेटिंग पार्ट बोलते हैं और आप 1% से सेल्स को चेंज करते हो और आपका प्रॉफिट 4% से चेंज होता है, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डैश फिक्स कॉस्ट। तो हम लोगों ने सेकेंड फॉर्मूले में क्या किया, इंपैक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट देखा और डायरेक्टली हमारे जो दिमाग में स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में जहां पर भी फिक्स कॉस्ट आता है उससे पहले और उसके बाद वाले आइटम को कंपेयर किया। कैसे? फॉर्मूला क्या बना फिर? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ऑल ऑफ यू, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इज योर फॉर्मूला फॉर DOL। अच्छा, वो परसेंटेज चेंज वाला कब यूज करने का और ये कौन सा? सिंगुलर डेटा रहेगा तो बस नॉर्मल वाला, और अगर बिटवीन टू डेटा बोला तो परसेंटेज। अगर दो डेटा दिया है, सुनो पूरा अच्छे से सुनो, और दोनों के बीच का लेवरेज पूछा तो परसेंटेज चेंज, बट अगर दो डेटा दिया है और दोनों पर इंडिविजुअली लेवरेजेस पूछे तो ऑब्वियसली आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आर यू जेपिंग? सबको अच्छे से समझा? कोई डाउट? अगर मैं फाइनेंशियल पार्ट पे जाऊं, अभी फाइनेंशियल पार्ट पर, तो फाइनेंशियल पार्ट में क्या होगा दोस्तों? शुरुआत किससे होगी? EBIT से होगी। एंड कहां पर होगा? EPS पर होगा। फॉर्मेट याद है? बोलो, EBIT माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू EBT माइनस टैक्स विल गिव यू EAT। दैट EAT इज कॉल्ड एज NI। व्हाट इज NI? नेट इनकम। ऐसा इनकम जो अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उसे NI बोलते हैं, और फिर NI को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विच शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, टोटल शेयर, इक्विटी शेयर्स। आप तो हमारे पिक्चर में अभी तक आए ही नहीं हो, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था नो प्रेफरेंस शेयर्स एज ऑफ नाउ, तो फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर अर्निंग पर शेयर आता है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि आपका फाइनेंशियल लेवरेज 3x है, कितना? 3x। इसका इंटरप्रिटेशन आप बोलोगे, फाइनेंशियल लेवरेज 3x, ट्राई करो। जल्दी 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 वेरी गुड। ये कमेंट वाले लोग इतने जबरदस्त तरीके से, क्या ऐप में जो लेवल का यहां पर कमेंटिंग चल रहा है, एक नंबर है। 1% चेंज इन EBIT रिजल्ट इन 3% चेंज इन EPS। ओके, सब कुछ बाजू वाले ने बताएगा। अच्छा, 1% चेंज इन EBIT विल चेंज योर EPS बाय 3%, दैट इज कॉल्ड 3x, ऑल ऑफ यू। तो अगर ऐसी कंपनी का ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, मतलब EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है EBIT, वो अगर 33.3333% से चेंज हो जाए तो उसका EPS कितना बन जाएगा? उसका EPS कितना बन जाएगा? क्वेश्चन को सुनने का, आपके मन के क्वेश्चन मैं नहीं पूछता, मेरे क्वेश्चन आपके मन में जाने चाहिए। पहले सुनो अच्छे से मैंने क्या बोला, और फाइनेंशियल लेवरेज कितना है? 3x। अगर मेरा चेंज इन EBIT मतलब प्रॉफिट 33.3333% है, 33 1/3% है,
इंक्रीज हुआ है मेरा प्रॉफिट 33 1/3% से, तो व्हाट विल बी माय न्यू ईपीएस? माय ईपीएस विल गेट डबल्ड. एग्जैक्टली. कुछ लोगों के ऐसे बाउंसर गया ये कंसेप्ट, हद नहीं है ना कुछ लोगों के लिए. सुना अच्छे से, अगर ये था कंसेप्ट आपका डीओएल का, तो आप डीएफएल का भी कंसेप्ट समझ लो. डीएफएल आपको क्या बताता है? ईबीआईटी से ईपीएस वाला रिलेशनशिप बताता है, और ये बोलता है 1% चेंज इन ईबीआईटी विल चेंज ईपीएस बाय 3%. मैंने आपको क्या बोला? आपका ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होगा. कितने से इंक्रीज होगा? मतलब चेंज ना, 33 1/3% से ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो ईपीएस है वो इंटू 3 करेंगे तो चेंज जो आएगा वो 100% से आएगा. बट मैंने आपको चेंज पूछा ही नहीं, मैंने आपको पूछा व्हाट विल बी योर न्यू ईपीएस. सो योर न्यू ईपीएस विल बी डबल. जो भी रहेगा आपका पहले वाला ईपीएस 10 रुपीज रहेगा, तो आप नया ईपीएस विल बी 20 रुपीज. समझा? एमसीक्यू फॉर्मेट से पढ़ा रहा हूं मैं. सबको समझ रहा है क्या? एवरीवन. तो इसका चेंज इन ईपीएस है वो इतना है, तो ऑब्वियसली चेंज नहीं पूछा था मैंने. मैंने पूछा था व्हाट विल बी योर न्यू ईपीएस, योर न्यू ईपीएस विल बी डबल्ड. समझे क्या? कोई शक, कोई डाउट? पक्का सबको इधर? गुड. अब डीसीएल के लिए रेडी हो क्या? डीसीएल डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, अगर आपका यही सेम एग्जाम्पल लू तो कितना बनना चाहिए? व्हाट विल बी योर डीसीएल विद द सेम एग्जाम्पल एज अबव? ऑब्वियसली 12 times. कैसे 12 times? डीओएल इंटू डीएफएल विल गिव यू डीसीएल. तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 times आएगा. बट आई वोंट टेक 12 times. ठीक है, आई विल टेक अनदर डीओएल डीसीएल. डीसीएल में ले ले तो मेरे एग्जाम्पल के लिए लेट अस से 7 times, या चलो 10 times. कितना? 10 times. माय डीसीएल इज 10 times. मीनिंग क्या हुआ इसका? जल्दी 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 जल्दी. अगर सेल्स में 1% चेंज है तो, अगर सेल्स सेल्स में 1% चेंज है तो, 1% चेंज है तो ईपीएस में 10% चेंज होगा. ईपीएस में 10% चेंज होगा. इजी करेक्ट? यस. फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स योर ईपीएस विल चेंज बाय 10%. करेक्ट? नाउ लिसन टू दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. आप जो बोल रहे हो मैं वो लिख नहीं रहा हूं, बट आपको दिमाग में है. ठीक है, तो अब आई वॉन्ट माई ईपीएस टू बिकम 0. टेल मी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी सेल्स. 0 कैसे? कुछ भी. आई वॉन्ट माई सेल्स टू बिकम माई ईपीएस टू बिकम 0. टेल मी परसेंटेज चेंज इन सेल्स. अनदर बाउंसर क्वेश्चन. जनता खामोश. अरे बोलो. आई वॉन्ट माई ईपीएस टू बिकम 0. वॉट शुड बी माई परसेंटेज चेंज इन सेल्स? 10%. ये लोग जो बोल रहे हैं ना 10%, ये करेक्ट आंसर है. ऐप में भी यहां पर 10% आ रहा है. डिक्रीज इन सेल्स या इंक्रीज इन सेल्स? डिक्रीज इन सेल्स 10%. अरे कॉमन सेंस है भाई, कॉमन सेंस है. कोई हार्ड चीज नहीं थी. सेल्स से लेकर ईपीएस तक वाले पार्ट को बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज, बराबर. अभी अभी आपने बोला 1% चेंज इन सेल्स, 1% का चेंज इन सेल्स विल चेंज ईपीएस बाय 10%. आई टोल्ड यू दैट आई वॉन्ट योर ईपीएस टू बिकम 0. तो अगर मैं आपके ईपीएस को 0 बनाना चाहता हूं तो टेल मी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस.
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बोला मैंने. इफ आई वॉन्ट योर ईपीएस टू बिकम जीरो वॉट शुड बी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस. ऑब्वियसली 100%. अरे कॉमन सेंस, एक रुपया का ईपीएस अगर रहता था, सिर्फ एक रुपए का, अगर उसको भी जीरो बनाना है तो पूरे एक रुपए से चेंज करना पड़ेगा ना. अरे समझा कि नहीं जनता को, पब्लिक समझ रहा है क्या? तो अगर सपोज 100 रुपए का ईपीएस है, उसको भी जीरो बनाना है तो पूरे 100 रुपए से चेंज करना है, तो 100 रुपए एज अ परसेंटेज ऑफ 100 इज 100%, 1 रुपए एज अ परसेंटेज ऑफ 1 इज 100%. सपोज 5 रुपीज का ईपीएस है, 5 रुपीज से डिक्रीज करेंगे तो जीरो बनेगा, 5 रुपीज एज अ परसेंटेज ऑफ 5 इज 100%. तो आपका चेंज इन ईपीएस कितना लू? 100%. तो चेंज इन सेल्स कितना, यही तो पूछा था मैं आपको. ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा 10%. सेल्स डिक्रीज होना चाहिए, बराबर. यस एवरीवन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. समझ में आया? और एग्जांपल्स आपको अभी क्लास के ड्यूरेशन में क्वेश्चंस के थ्रू मिलेंगे. अब तक का पार्ट समझा क्या? ठीक है. क्या हुआ, नहीं समझा? हाँ ये देखो यहां लिखा है, जो डीएफएल था आपका, डीएफएल पहले वाले एग्जांपल में डीएफएल जो था, मैंने बोला 1% चेंज इन ईबीआईटी इज चेंजिंग योर ईपीएस बाय 3%. और मैंने आपको इधर सेकेंड वाले केस में, डीएफएल वाले केस में बोला था कि आपका ईपीएस मुझे डबल करना है, और अगर डबल करना है तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस 100% होगा. तो फिर परसेंटेज चेंज इन, या मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं, क्वेश्चन याद नहीं है मैंने. जब मैं चेंज इन ईपीएस, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछ रहा हूं. जब मैं न्यू ईपीएस बोलू तो अमाउंट वाइज पूछ रहा हूं मैं आपको. नहीं अमाउंट वाइज नहीं बोला मैंने आपको, मैंने परसेंटेज चेंज वाला बोला. इधर भी परसेंटेज चेंज लिखा है. और अच्छा चलो और कुछ एग्जांपल लेते, ठीक है. 2 times DOL, सब लोग हैं मेरे साथ? इधर ध्यान दो. 2 times DOL है, 3 times फाइनेंशियल लिवरेज है, कंबाइन लिवरेज कितना हुआ? 6 times. अब ये एग्जांपल को अच्छे से समझना, इसी को हम कैरी कर रहे हैं अभी, ठीक है. 2 times DOL है, 3 times DFL है, कंबाइन लिवरेज बन गया 2 into 3, 6 times, ठीक है. अब बोलो कि अगर DOL 2 times ले रहा हूं मैं, DFL मैं 3 times ले रहा हूं, कंबाइन लिवरेज आप मुझे बोल रहे हो 6 times का है. अब इफ आई वॉन्ट टू डबल माई ईबीआईटी, इफ आई वॉन्ट टू डबल माई ईबीआईटी, वॉट शुड बी परसेंटेज चेंज इन सेल्स? If I want to double my EBIT, what should be percentage change in my sales? Public? 50. Just because बाकी लोग 50 बोल रहे हैं, हर कोई सोच के बोलो कितना होगा? 50% होगा क्या? Yes, 50%. साक्षी चौधरी बोल रही है, नहीं समझा सर YouTube पर. साक्षी ध्यान दोगे तो समझेगा, ध्यान दो इधर अच्छे से. एक नहीं चार चार एग्जांपल ले रहा हूं और आगे ले रहा हूं. आंसर देते रहो बेटा, आंसर देते रहोगे एंड तक, ऑब्वियसली आंसर्स आते रहेंगे और समझते भी सब जाएगा, ठीक है. 25% नहीं आएगा इंद्रजीत, 50% आएगा. देखिए DOL क्या बताता है आपको, परसेंटेज चेंज इन सेल्स will change my percentage change in EBIT by how much. तो अगर मैं 2 times बोलता हूं तो यहां पर 1% है, यहां पर 2% है, बराबर. आर यू विथ मी? तो फिर मैंने बोला आई वॉन्ट टू डबल माई EBIT. इफ आई वॉन्ट टू डबल माई EBIT, टेल मी परसेंटेज चेंज इन EBIT. 100%. सपोज 10 रुपए आपका EBIT है, तो डबल करना है तो 20 रुपए करना पड़ेगा. अब अगर 10 को 20 बनाना है तो कितने से चेंज हो रहा है?
कितने रुपए से चेंज हो रहा है? 10 रुपए से. 10 रुपए एज अ परसेंटेज ऑफ 10, 100% होता है. मैं इसके दुश्मन हूं, सबको समझा? 100% चेंज. कोई भी चीज जब डबल होगी तो 100% चेंज होगी. तो फिर ऐसे केस में इधर अपने को 100% चेंज चाहिए तो इधर कितना? ऑब्वियसली 50%. अब समझा क्या? तो इसका आंसर आएगा 50%. योर सेल्स विल इंक्रीज और डिक्रीज? कितने लोग बोलते हैं इंक्रीज? हाथ ऊपर करो. इंक्रीज बोलने वाले लोग जरा हाथ ऊपर करो. सिर्फ आप लोग करेक्ट हो. मेरे क्वेश्चन के वर्डिंग पे क्यों जा रहे हो? हाथ ऊपर करो. जो कुछ लोग बोल रहे, जाने दे भाई, बहुत गुस्से में दिख रहा है. अरे खुद के कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखो. मैंने क्या बोला? ईबीआईटी मुझे डबल करना है. तो सेल को घटाओगे क्या? क्या करोगे? बढ़ाओगे. समझ में आ रहा है क्या? तो फिर 50% क्या होगा गाइस? इंक्रीज होगा. सेल्स में इंक्रीज 50% होगा. वेरी गुड. चलिए अगला पार्ट. डीएफएल 3 times. व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डीएफएल 3 times? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 2% चेंज इन ईपीएस. सही है क्या? ओके. नाउ व्हेन आई से दिस इज 3 times, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1% चेंज हियर विल चेंज 3% हियर. करेक्ट. नाउ आई वॉन्ट माई ईपीएस टू बिकम 0. आई वॉन्ट माई ईपीएस टू बिकम 0. क्या होगा? 33.33% डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज. कितने लोग इंक्रीज बोलते? कोई नहीं ना. तो इसका आंसर 33.33% कैसे आता है? ध्यान से सुनो. मैंने आपको क्या बोला? आई वॉन्ट टू मेक माई ईपीएस 0. अगर ईपीएस 5 रुपया है, उसको 0 पे लाने के लिए कितने रुपए से चेंज करना पड़ेगा? कितने रुपए से? 5 रुपए. 5 रुपए का चेंज एज अ परसेंटेज ऑफ 5, 100% हुआ ना. तो फिर आपका ईपीएस का चेंज कितना? 100%. तो फिर बताओ सेल्स का, ये ईबीआईटी का चेंज कितना? ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको. 100 डिवाइड बाय 3 इज 33.33%. अब ये इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? ये आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला ईपीएस को 0 करना है. क्या बोला? ईपीएस को 0 करना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मजा आया क्या? आपको लगा कल के लेवरेजेस बहुत बढ़िया समझे, आज आपने इंटरप्रिटेशन देखा उसका वापस. कल बस आप समझो प्रिपरेशन हुआ, आज तड़का मारा अपन ने. और अब अपना पूरा दाल रेडी है, तड़का दाल. अब अपन थोड़ा राइस मिलाकर खाएंगे, मतलब ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. रेडी हो क्या? कंबाइंड लेवरेज का एक क्वेश्चन अभी यहां पर, ठीक है? कंबाइंड लेवरेज कितना बोला मैंने? 6 times. कंबाइंड लेवरेज इज 6 times, मीनिंग व्हाट? परसेंटेज चेंज इन सेल्स will lead to how much percentage change in EPS? I want my EPS to become half. Tell me what should be the percentage change in sales? 8.33.
थ्री थ्री, कुछ लोग 12 बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको आंसर्स? बोलो 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 बोलो। 8.33 पूरे क्लास को, कोई है जो 8.33 तक नहीं पहुंच पा रहा है? ऑनेस्टली रेज योर हैंड, जल्दी जल्दी ऑनेस्टली रेज योर हैंड, फटाफट फटाफट, ऊपर वाला सब देख रहा है। वेरी गुड, यू आर ऑनेस्ट एटलीस्ट, ठीक है, वेरी गुड। आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। मैंने क्या बोला आपको पहले ये बताइए। मैंने आपको बताया कि मुझे मेरा ईपीएस हाफ करना है, तो पहले दिमाग में सोचने का, 10 का फिगर अगर 5 हो रहा है तो 5 से चेंज हो रहा है, 5 एज अ परसेंटेज ऑफ 10 50% हुआ, ऐसा सोचने का एग्जाम में, ताकि आप मिस्टेक नहीं करोगे। जनरली मैं बोलता हूं डबल करना है, लोग बोलते 200% चेंज, 200% चेंज नहीं होता, वो 100% होता है। जब मैं बोलता हूं हाफ करना है, लोग बोलते 100% चेंज, 100 नहीं होता, वो 50 होता है, क्योंकि मैं आपको परसेंटेज चेंज पूछ रहा हूं। तो अगर 10 का ईपीएस आधा करना है तो 5 पे लाना है, मतलब 5 से चेंज हो रहा है, 5 एज अ परसेंटेज ऑफ 10 करेंगे तो 50% आता है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस की जगह मैं लिख दूंगा 50, एक्चुअली ये नीचे लिखेंगे। अपने पास अपना डीसीएल कितना दिया है? 6 times, तो डीसीएल 6 times का मीनिंग क्या हुआ? 1% चेंज इन सेल्स इज चेंजिंग माय ईपीएस बाय 6%, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, समझा कि नहीं? और अब आपका आंसर आ रहा है 8.33%, और आप मुझे बताओगे कि ये इंक्रीज है या ये डिक्रीज है? डिक्रीज है, क्यों? हाफ करना था इसलिए, दिस विल बी डिक्रीज बिकॉज वो हाफ करना था। आई होप कंसेप्चुअली एकदम अच्छे से समझाए हर किसी को, उस साइड गुड। चलो इसके साथ हम लोग अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आगे बढ़ते, ठीक है? ये लिखना है क्या? नहीं विनायक, ये लिखना नहीं है बिल्कुल, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अगर आप लिख रहे हो तो इट्स ओके, नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, आई एम एनीवेज गोइंग टू शेयर दिस फाइल। कल मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेरा एक और सेशन था ऑनलाइन, तो इसलिए ये शेयर करना रह गया, बट डोंट वरी, आई विल शेयर इट टुडे, तो आपको ये सब मिल जाएगा, बस इसको अच्छे से सेव करना, मोबाइल में मेमोरी रहेगा ना सबके? नहीं है? अपने सुस्त शक्ल वाली हंसती हुई फोटोज को डिलीट मारो, सुस्त शक्ल वाली हंसती हुई फोटो को डिलीट मारो, मेमोरी मिल जाएगा तुमको, ठीक है? और जो वीडियोस वगैरह तुमने जबरदस्ती हंस कर निकाले रहेंगे ना, उसको भी डिलीट मारो। चलो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और यहां पर ये पेज पर, पेज नंबर 18 पर आपको लेवरेजेस का फॉर्मूला चार्ट ड्रॉ करना था, सबने किया क्या? ऑनेस्टली कि आप बस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हो, नहीं ना? क्या इतनी बार नहीं किया सर कि अभी तो नहीं किया, और यस सर बोलने में भी शर्म नहीं आती, है ना? अगर ऐसा आपका हालत रहेगा ना, दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ फेल्यूर, दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ फेल्यूर। अगर आप लोग नहीं करते हो बट कॉन्फिडेंटली बोलते हो यस सर, अगर नहीं किया, बी ऑनेस्ट, नहीं किया सर आज कर लेंगे, कितने लोग ये कैटेगरी के, नहीं किया सर आज कर लेंगे, जल्दी हाथ ऊपर करो। ए, देखो कोई बात नहीं, आप ये ऑनेस्टी पाल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, आज करोगे, मगर आप आज लास्ट मौका है, ठीक है, पक्के से करना। ये जो लेवरेज हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं ना, ये इस डायग्राम से आया एक्चुअली, ओके? ये होता क्या है पहले समझ लो। अच्छा, फॉर्मूला बुक अपडेट किए क्या आपने? फॉर्मूला बुक, करंट फॉर्मूले बुक में आपने 7 फॉर्मूले अपडेट किए, डीओएल के 2, डीएफएल के 2 और डीसीएल के 3, टोटल 7 फॉर्मूलेज आपने अपडेट किए हैं, और अगर नहीं किया रहेगा तो आज रात सोने से पहले वो भी कर लेना, ठीक है, इंक्लूडिंग आज के कुछ फॉर्मूलेज। अब सुनो अच्छे से, ध्यान दो, लिवरेज में ये जो वर्ड आ रहा है लिवर,
ये एक्चुअली फिजिक्स से आया हुआ वर्ड है, फिजिक्स से आया हुआ वर्ड है लिवर। आप ये डायग्राम देखोगे आपको समझ जाएगा, ये जो पर्सन है, ये पर्सन को वो इतना बड़ा हेवी स्टोन जो है वो लिफ्ट करना है। अगर वो जाएगा और नॉर्मली ऐसे जाके पिकअप करेगा तो वो नहीं होगा, बहुत बड़ा स्टोन है उसको, उसे हिलाना है, वो अगर ढकलेगा भी तो भी पॉसिबल नहीं है, उसे उसे लिफ्ट करना रहेगा या उसे आगे ढकेलना रहेगा, वॉट एवर। तो उसके लिए वो क्या करेगा, लीवर की मदद लेगा। किस चीज की मदद लेगा, लीवर की। ये दिख रहा है क्या आपको, उसके जो क्या करेगा वो सबसे पहले एक फैलक्रम रेडी करेगा, नीचे दिख रहा है आपको ये फैलक्रम, फैलक्रम इज बेस, और फिर वो लीवर उस पर डालेगा बराबर, वो स्टोन के नीचे डालेगा और एक साइड से वो एनर्जी डालेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड से उसका इंपैक्ट दिखेगा। जितना उसके पास एनर्जी है उससे ज्यादा इंपैक्ट आएगा कि कम, ज्यादा आ रहा है, उसको एडवांटेज मिल रहा है, लिवरेज, समझा। अब ये फैलक्रम अपने केस में क्या होता है, तो अपने केस में ये फैलक्रम होता है जैसे कि फिक्स कॉस्ट, समझा कि नहीं। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग हमारा सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, मगर ये फैलक्रम की वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से उधर का ईबीआईटी ज्यादा बढ़ता है। सब लोग समझ रहे क्या, अगर मैं ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं आपको, डीओएल, वही अगर मैं डीएफएल की बात करूं तो ये फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट बन जाएगा, और ये फैलक्रम है और ये आपका लिवर है, और यहां पर आप कोशिश करोगे ईबीआईटी बढ़ाने की, और उधर अपोजिट साइड दूसरे साइड ईपीएस है, जितना तुम मेहनत ईबीआईटी में करोगे उससे ज्यादा इंपैक्ट आपको ईपीएस में दिखेगा बिकॉज ऑफ लिवर एंड दैट फैलक्रम। आर यू जेपिंग, कनेक्शन समझ रहे अच्छे से, यस। ये बेस है आपका कि वो कहां से लॉजिक आया, उसको लिवरेज ही क्यों बुलाते, तो ये लॉजिक था उसका। अब बाकी जो अपन ने अभी अभी डील किया था वो टाइप के यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे, तो आप बाद में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, या हमने बता दिया वही लॉजिक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाइए। और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, एन एनालिटिकल स्टेटमेंट ऑफ एश लिमिटेड इज शोन बिलो, इट इज बेस्ड ऑन द आउटपुट दैट इज सेल्स लेवल ऑफ 80,000 यूनिट्स। पेज नंबर 27 पर है, मिला क्या, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट रेवेन्यू बिफोर फिक्स कॉस्ट, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स रेवेन्यू बिफोर फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस किया 160,000 क्या है, ईबीआईटी है, उन्होंने लिखा नहीं है, कोई टाइपिंग एरर नहीं है, वो वहां लिखा नहीं था, ओके। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रेवेन्यू बिफोर फिक्स कॉस्ट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां पर 160,000 के सामने कुछ नहीं लिखा है, दैट इज योर ईबीआईटी, फिर माइनस किया इंटरेस्ट ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया एनआई आ गया। इन्होंने बोला है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड द कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द अबव डेटा, कैन यू कैलकुलेट बेटा, पक्का स्टार्ट, आई गिव यू फुल 2 मिनट्स टाइम, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला विदाउट लुकिंग एट द फॉर्मूला, पीछे फॉर्मूला ढूंढो मत, फॉर्मूला यूज करो, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इधर, परसेंटेज चेंज या नॉर्मल, नॉर्मल यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर डेटा दिया है आपको, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखना है, उसी के बाजू में स्पेस देख लो, बहुत कम दिया है मैंने, तो लाइनर सॉल्व करना है, उधर एक लाइन में ही सॉल्व करना है, फॉर्मूला नंबर आंसर, वापस नीचे फॉर्मूला नंबर आंसर, क्या इतने स्पेस में पॉसिबल है, यस। DOL, DFL, DCL, कल तक तो इतने अटेंटिव थे, आज क्या हो गया, आप कल आए नहीं थे,
वेरी गुड, आई एम गेटिंग द आंसर्स, आर यू गेटिंग योर आंसर्स? यहां पर सब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, आप कर रहे हो क्या? और आपका आंसर आ गया? टू पॉइंट फाइव, वन पॉइंट सिक्स एंड फोर टाइम्स, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर सबका आ गया। तो सबसे पहले ड्यूएल इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला क्या यूज किया आपने? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, योर कॉन्ट्रीब्यूशन फिगर इज 4 लाख, ईबीआईटी फिगर इज 1,60,000, तो यहां पर आप लिखोगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, 2.5 times, वेरी गुड। सेकेंड सिनेरियो, डीएफएल इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी इज 1,60,000 एंड डिवाइड बाय 1 लाख विदाउट कैलसी 1.6 times, लाखों को कैलकुलेशन आप विदाउट कैलसी कर रहे हो, बस मेरे साथ रहोगे ऐसे ही मैथ्स में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। और डीसीएल इज इक्वल टू बोलोगे आप सीधा सीधा डीओएल इंटू डीएफएल या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, एक ही बात है कुछ भी कर लो, और आपका आंसर आएगा 2.5 into 1.6, दैट इज 4 times, एवरीबॉडी वेरी गुड वेरी गुड, चलो बढ़िया है, सभी के आंसर आ गए। What is the interpretation? What is the interpretation? Mic है ना? उधर पास करो। पीछे। आपके पास है, आपके। बोलो। DOL 2.5 time का interpretation क्या हुआ? On करो ना mic। Just one time press, बस। सर इफेक्ट चेंज करना है इसीलिए 2.5 टाइम्स आया। हाँ बट इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मीनिंग क्या हुआ इसका 2.5 टाइम्स का? व्हेन यू से ड्यूएल इज 2.5 टाइम्स, सर इफ इन केस 1% चेंज देयर विल बी 2.5% चेंज इन व्हाट यू कैन से ईबीआईटी, बट ओरिजिनली 1% किस में चेंज किया आपने? सेल्स, सेल्स में, तो 2.5% चेंज किस में आया? ईबीआईटी, ईबीआईटी में, श्योर करेक्ट है, ओके। सेकंड वाला इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, बाजू में पास करो माइक, बोलिए। 1% चेंज इन ईबीआईटी, तो yes. उसका चेंज ईपीएस पे कितना होगा, तो ईपीएस पे 1.6% का चेंज होगा, वेरी गुड, तो इससे 1.6 टाइम्स आएगा, परफेक्ट। लेफ्ट साइड पास करो, इधर, हाँ आप थे कल, हा? आप कल थे क्लास में, थे कल नहीं सर, प्रेजेंट थे, फर्स्ट डे आज, नहीं नहीं कल नहीं प्रेजेंट, इस चैप्टर का पहला दिन है, यस, बाजू में पास कर, बोलो आप, 4 times DCL का मीनिंग क्या हुआ? सर अगर अपना DCL 4 times, सर अगर DOL अपना, सर नहीं जम रहा है बोलते, कोई बात नहीं कोई बात, बाजू में पास कर, DCL 4 times का मीनिंग क्या हुआ? पीछे पास कर, चेंज इन 1% इन सेल्स विल लीड टू चेंज 4 times, 4% चेंज इन ईपीएस, वेरी गुड, सही है कि नहीं? चलो बढ़िया, इन तीनों आंसर्स के लिए सही जवाब, वेरी गुड गाइस। सो वेन एवर योर आंसर कम्स थिंक अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑल्सो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इजी सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 5 के अंदर 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इधर तक है जहां तक मैंने मार्क किया है वहां तक है, तो आप सॉल्व करोगे फर्स्ट पार्ट। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 7 लाख एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 लाख, डेट ऑफ रुपीज 5 लाख एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट आर द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज। समझ गए क्वेश्चन, समझे? अगला पार्ट मत पढ़ो, इधर तक ही पढ़ो,
Now tell me, to solve your leverages, first you need to prepare your statement. That statement is called as या तो income statement या तो profitability statement. दो नाम है उसके. क्या बोलेंगे? Income statement या तो profitability statement. ठीक है. तो वो जो मैंने आपको टेबल रेडी करके दिया है फॉर्मेट, वो कुछ नहीं है, पर्टिकुलर रूपीज है. ठीक है. उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत किधर से करना पड़ेगा? सेल्स. एंड किधर करोगे? ईपीएस तक. ईबी, ईबीआईटी तक, ईबीटी तक, लास्ट अवेलेबल पॉइंट तक जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो ईबीटी तक जाओ और फिर उसके बाद नीचे जगह दिए तो अब जगह दिए तो पूरी जगह मत यूज करो, दो पार्ट के लिए जगह हो. तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लाइनर सॉल्व किया था ऐसा, वैसे ही आप लाइनर सॉल्व करोगे. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग स्पेस. चलो स्टार्ट. इसको सॉल्व करने के लिए 2+1 3 मिनट्स, 1 मिनट आपके स्टेटमेंट के लिए, एक्स्ट्रा 2 मिनट आपके उस DOL, DFL एंड DCL निकालने के लिए. सही बोला श्री, ईबीटी तक जा सकते हैं हम. और तीनों आंसर भी निकाल लिया भाई. इंद्रजीत बिल्कुल सही जा रहे हो, पिछले वाला पार्ट था, आंसर सही था आपका. बोलिए. 3, 2, 6. अच्छा, पूरा फॉर्मेट के साथ सब रेडी है? अरे यार, क्या ख्याल से भी निकाल रहे थे. फॉर्मेट के साथ रेडी होना चाहिए. ऐसे सॉल्व करो बेटा, स्पेस वेस्ट नहीं होगा. ठीक है, गुड. पहले DOL इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर आंसर. जब आप आंसर सॉल्व करोगे पूरी इज्जत दो आंसर को, MCQ नहीं है वो. हाँ. थैंक यू अनाब, थैंक यू सो मच. तो यहां पर मैं बोलूंगा इनकम स्टेटमेंट, और शुरुआत होगी आपकी सेल्स 10 लाख. बी पार्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट. ओनली आई कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म्स, यू हैव टू राइट फुल फॉर्म्स. पूरे क्लास में मैं अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो आई हैव ऑल राइट्स रिजर्व्ड. शॉर्ट फॉर्म्स सिर्फ मैं लिख सकता हूं, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ईबीआईटी लिखना अलाउड है, ईबीटी लिखना अलाउड है, ईपीएस लिखना अलाउड है, बट VCFC लिखना अलाउड नहीं है, NI लिखना भी अलाउड है. तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 7 लाख. तो 3 लाख बन गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज A-B. फिर फिक्स कॉस्ट 2 लाख. तो फाइनली ई पार्ट विल बी EBIT 1 लाख. एफ पार्ट विल बी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन होगा 5 लाख का. वहां पे कैलकुलेशन दिखाओ. 5 लाख का 10% विल बी 50,000. And remaining 50,000 will be called as EBT. सोचिए आपके नोट्स बनाने के लिए लाइन बाय लाइन गिन कर डाले हुए नोट्स है पूरे, वो लाइन पूरा नोट्स बनाते वक्त इतना ख्याल रखा है. और इसी बेसिस पर हम बोलेंगे सबसे पहला पार्ट DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. योर आंसर विल बी 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 3 टाइम्स. सही है क्या? सेकेंड विल बी DFL विच इज इक्वल टू EBIT बाय EBT. EBIT इज 1 लाख
EBIT is 50,000. Your answer comes to 2 times. And 3 will be combined DCL. DOL into DFL. 3 into 2. 6 times. सही है क्या? अब सेकेंड पार्ट पे जाना आप. इफ द फर्म वॉन्ट्स टू डबल इट्स सीबीआईटी, हाउ मच ऑफ द राइज इन सेल्स वुड बी नीडेड ऑन परसेंटेज बेसिस. सुनो अभी अच्छे से. आई एम अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं आता एंड आई एम टेलिंग यू कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करोगे. तो सबसे पहले चेक करने का, ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो. सबसे पहले चेक करने का कि ये लोगों ने कौन से दो पॉइंट को कनेक्ट किया है. ये लोगों ने आपको बोला फर्म वांट्स टू डबल ईबीआईटी बराबर, एंड हाउ मच ऑफ द राइज वुड बी नीडेड इन सेल्स. तो ये लोग आपको ईबीआईटी टू सेल्स वाला पार्ट बोल रहे हैं. कौन सा? ईबीआईटी टू सेल्स वाला पार्ट. माने कि कौन सा पार्ट हुआ वो? ईबीआईटी टू सेल्स ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल है कि कंबाइन है? वेरी गुड, ऑपरेटिंग है. ठीक है, पहली बात दिमाग में फिट हो गई, ऑपरेटिंग है. अब ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करना पड़ेगा. ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर कितना आया? 3 टाइम्स आया सर. डीओएल का आंसर, ठीक है, डीओएल का आंसर 3 टाइम्स आया है. ओके, अब ये बोल रहे आपको फर्म वॉन्ट्स टू डबल इट सीबीआईटी. तो यहां पर आप नीचे लिखोगे इफ फर्म वॉन्ट्स टू डबल इट्स ईबीआईटी कॉमा फर्म वॉन्ट्स टू डबल इट्स ईबीआईटी कॉमा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज इक्वल टू. बोलिए आप लोग, कोई भी नंबर को अगर आप डबल करते हो तो कितने परसेंट से चेंज कर रहे हो? तो यहां पर लिखेंगे 100%. दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? ओके, सो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ फर्म वांट्स टू डबल इट्स ईबीआईटी कॉमा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी विल बी 100%. और अगर ये 100% चेंज है तो फिर सीधा सीधा आप क्या परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज करोगे? लेवरेज का. कौन से लेवरेज का? ऑपरेटिंग लेवरेज का. ठीक है, बोलो मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज वाला. DL is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. अच्छा, मुझे यहां पर दो चार आंसर अलग आए. परसेंटेज चेंज इन सेल बोला आपने पहले. एक हिंट दू, आप कभी गलत नहीं जाओगे. हर वक्त याद रखो, लेवरेजेस कभी भी 1 से कम नहीं होते. लेवरेजेस कभी भी 1 से कम नहीं होते, मतलब 0 से 1 के बीच लेवरेज नहीं आ सकता. नहीं आ सकता वो. क्यों नहीं आ सकता? उसका लॉजिक आपको खुद को ही समझ जाएगा थोड़े टाइम बाद. तो अगर ये 0 से 1 के बीच नहीं आ सकता, ये 1 से हर वक्त ऊपर या तो 1 रहेगा, इसका मतलब कभी भी न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा और डिनोमिनेटर कम रहेगा. आर यू क्लियर? तो अब बोलो आप मुझे कि भाई लेवरेज का कॉमन सेंस तो अपने को पता है कि जितने से अपन सेल्स बढ़ाते हैं उससे ज्यादा ईबीआईटी बढ़ता है, तो न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आना चाहिए. आपको लगता है आप कभी गलत जाओगे? अभी कंफ्यूजन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला आपको कि लेवरेजेस कभी भी 1 से कम नहीं होते. तो अगर 1 से कम नहीं होते मतलब न्यूमरेटर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी आपका सॉरी डिनोमिनेटर कभी ज्यादा नहीं हो सकता, न्यूमरेटर ही ज्यादा रहेगा. तो फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स क्या ज्यादा रहता है बेटा? ईबीआईटी परसेंटेज. तो वही न्यूमरेटर बनता है हर बार, क्योंकि हमारे आंसर हमें 1 से ज्यादा लाने हैं. ठीक है, अब बोलो मुझे आपका परसेंटेज चेंज ये सॉरी ड्यूएल कितना लू? 3 इज इक्वल टू 100% बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सो फाइनली देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू 100 बाय 3
33 1/3%. अगर मैं आपको पूछूं व्हाट विल बी योर न्यू सेल्स, बेटा व्हाट विल बी योर न्यू सेल्स अमाउंट, ट्राई करो सामने पास करो एक बार प्रेस करो बटन को, ऑन हो जाएगा वो। एक मिनट रुको। व्हाट विल बी योर न्यू सेल्स, क्या आंसर दे रहे भाई ऑनलाइन वालों, जबरदस्त आंसर दे रहे हो आप लोग। दो मिनट थोड़ा लाउड स्पीकर। आपका नाम क्या बेटा? मानसी। माइक ऑन करो। मानसी आप यहाँ पर आंसर तक पहुंच गए। आपने परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना लिखा? 33 1/3%। आपका ईबीआईटी कम हुआ है या बड़ा है? बड़ा है। तो आप सेल्स को क्या करोगे? बढ़ाओगे। आपका ओरिजिनल सेल कितना है? 10। रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन में सेल्स 10 लाख। तो गैलेक्सी पर बस 10 लाख प्लस 33.3333% इज 13,33,333। सही है कि नहीं? समझा एवरीवन? परफेक्ट। तो ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सबको समझ गया? वेरी गुड ब्रिलियंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आए और 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आना और 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेना। 7th में 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लो। उसी टेबल में सॉल्व कर सकते हो आप। उसी टेबल में मैंने जगह दी आपको लाइन में सॉल्व करने के लिए। 3.75 2.5 2.5। चंद्रा आपका आंसर क्या है? नहीं आया? आप एब्सेंट थे कल, पता चल रहा है? बोलिए। 2.5 3.75 कैसे आया था? 2.5। गाइस कितना आंसर आया? 2.5। एवरीवन वेरी गुड। देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप बुलाओगे इनकम स्टेटमेंट और इसी में सबसे पहला शुरुआत होगा आपका सेल्स के साथ। सेल्स लोगे आप 50,000, सबका दिमाग और ध्यान इधर होना चाहिए। बी पार्ट में आएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 60%। तो 60% ऑफ 50,000 कम्स टू 30,000, बराबर। रिमेनिंग कम्स टू 20,000। व्हाट इज 20,000 कॉल्ड? कॉन्ट्रीब्यूशन ए माइनस बी, करेक्ट। फिर डी विल बी योर फिक्स कॉस्ट विच इज गिवन 12,000 एंड ई विल बी योर ईबीआईटी दैट विल बी नथिंग बट सी माइनस डी। और ये आंसर आएगा कितना? 8,000, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका 8,000। तो अगर आपको थोड़ा सा फॉन्ट साइज में प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ओके, नाउ फाइनली एफ पार्ट विल बी योर डीओएल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डीओएल? सी डिवाइडेड बाय ई करना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय
EBIT and your answer comes to 2.5 times. Correct? Very good. तो सभी का आंसर फर्स्ट पार्ट का आ चुका है. कोई है जिसका फर्स्ट पार्ट नहीं आया? आ गया. अब सेकेंड पार्ट पर जाना है और सेकेंड पार्ट में आपको कुछ टाइम देता हूं सोचने के लिए. टाइम लेकर अच्छे से सोचो. फाइंड द फाइनेंशियल लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. नेटवर्थ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी 3/1. इंटरेस्ट रेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज ईबीआईटी. आई सजेस्ट कि अगर किसी का पहला दिन है आज तो वो उसके बाजू में ना बैठे जिसका पहला दिन है. पता चला दोनों का पहला और आखिरी दिन रहेगा फिर. 1.8181. ओके फर्स्ट आंसर आई गॉट 1.8181. और क्या आंसर आ रहा है बोलिए मुझे. 1.126. 1.126. ओके 1.29. ओके कीप गिविंग आंसर्स. व्हाट एवर इज योर आंसर. 1.21. 1.21. यहां पे ऑनलाइन में तो सबका आंसर 1.8181 है और किसी का आंसर 1.126 है. इसे बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एक ही क्वेश्चन मगर अनेक आंसर. सुनिए अच्छे से. अभी माइक कहां पर है? पीछे पास कर दो. नेटवर्थ का मतलब पता है बेटा? नेटवर्थ ट्राई करोगे? नेटवर्थ मतलब क्या होता है? नो बाजू में. नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी. नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी. नेटवर्थ मींस नेट एसेट्स या नेट एसेट्स माइनस नेट लायबिलिटीज. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज नेटवर्थ. नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. बट बैलेंस शीट तो टैली होती है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी तो जीरो आंसर आना चाहिए. मतलब शेयर होल्डर एक्सटर्नल लायबिलिटी. डेट मतलब आपका टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज विल गिव यू नेटवर्थ. ऑल ऑफ यू विद मी. तो अब ध्यान से देखो. जब मैं नेटवर्थ बोलता हूं ना बेटा ध्यान से सुनो. ये कंसेप्ट बिल्ड हो रहे सब. अगर आप भटक जाओगे तो कुछ नहीं आएगा. सो फोकस. ये आपका बैलेंस शीट है. सपोज यहां पर आपके फिक्स एसेट्स होते हैं. यहां पे आपका करंट असेट्स होता है. ये आपका टोटल असेट्स होता है. बराबर. ऑब्वियसली इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज. यहां पे आपके करंट लायबिलिटीज होते हैं. लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं. बराबर. क्या सही है क्या? और व्हाट आई एम टेलिंग यू इज फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स इज टोटल असेट्स. टोटल असेट्स में से ये भी डिडक्ट कर दो करंट लायबिलिटी और ये भी डिडक्ट कर दो लॉन्ग टर्म लोन्स. अब जो बचा ना इधर ये आपका नेटवर्थ है. ये आपका नेटवर्थ है. क्या बचेगा उधर दोस्तों? शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस. ऑल ऑफ यू क्या बचा उधर? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस.
शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, उत्तर पार्ट बचा है उधर, और उसी को मैं बुला रहा हूं नेटवर्थ। ऑल ऑफ यू, इसका मतलब नेटवर्थ में हम लोग पूरे एसेट्स में से बाहर के लायबिलिटीज माइनस करके सिर्फ ओनर का पैसा देखते हैं। नेटवर्थ में एक्चुअली जब मैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बोलता हूं तो शेयर कैपिटल में इनका पैसा और उनका पैसा दोनों भी आता है, और आपके रिजर्व्स भी आते हैं। आपका पैसा मतलब शेयर कैपिटल, आपका पैसा मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और आपका रिजर्व्स, ये तीनों चीजें आती है नेटवर्थ में। बट अभी तक हमने क्या अज्यूम किया? नो प्रेफरेंस शेयर्स। तो इधर भी अज्यूम क्या करेंगे श्रेयस? नो प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आई बात? इधर भी अज्यूम क्या करना पड़ेगा? नो प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं नो प्रेफरेंस शेयर्स, तो मेरे नेटवर्थ में दो ही आइटम बचे। कौन से दो आइटम बचे? इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, विच इज नथिंग बट इक्विटी, विच इज नथिंग बट इक्विटी। इक्विटी वालों का पैसा, इक्विटी वालों का पैसा आ गया। इसका मतलब वो आपका पैसा, तो आपका पैसा डेट के आपके पैसों के कंपैरिजन में डेट कितना है? आपके पैसों के कंपैरिजन में, इक्विटी वालों के कंपैरिजन में डेट कितना है? थ्री टाइम्स है, थ्री टाइम्स। जेपिंग क्या? तो आपका पैसा कितना? 25 लाख इंटू थ्री, डेट वालों का पैसा 75 लाख बन जाएगा। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। लीजिए कैलसी, 9 लाख का इंटरेस्ट आएगा। अगर 9 लाख का तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, ईबीआईटी रेडी आपके पास 20 लाख, लेस कर लो 11 लाख का आपका ईबीटी आ गया। तो फिर आपका डीएफएल जो है वो 20 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख करोगे, 1.818181 आ गया। समझ गया क्या? नहीं समझा? अबे क्यों मजाक कर रहे हैं? कहां तक सुने आप? आधा, कोई बात, साथ में लिखते और फिर सॉल्व करते। चलो इसका सॉल्यूशन रेडी करते हैं। आप कहीं पर रफ में या यहां पर ही राइट साइड में जहां पे मैंने लिखा है वहां पर आप लिखोगे ये वाला बैलेंस शीट, जस्ट टू एंश्योर दैट वी नो द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ, वी नो द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही एनआई करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही एनआई करते थे, पता नहीं चल रहा है बेटा आप क्या बोलना चाहते हो। निहारिका, एब्सोल्युटली ऋषभ जो तुमने बोला वो सही है। इन शॉर्ट इट इज नथिंग बट शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब सुनो यहां पर आप लिखोगे Is this visible? या font size बढ़ा दूं? बढ़ा दूं? Networth is equal to, networth is equal to इक्विटी शेयर कैपिटल नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेटवर्थ इज इक्वल टू, ध्यान दो सब लोग, जिनको नहीं समझा अभी समझ जाएगा, हम लोग लिख रहे हैं, डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको। नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस
reserves and surplus. Full stop. Assuming no preference share capital. Assuming no preference share capital, comma, net worth is equal to equity. Net worth is equal to equity means what? Equity is nothing but, nahi re baba, equity is nothing but equity share capital plus reserves and surplus. तो जिन लोगों को इक्विटी का मीनिंग नहीं पता हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. मतलब इक्विटी वालों का पैसा जो होता है उसे इक्विटी बोलते हैं. इक्विटी वालों के पैसे को इक्विटी बोलते हैं. ठीक है, जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल बोलता हूं तो वे सिर्फ शेयर कैपिटल होता है. जब मैं इक्विटी बोलता हूं तो उसमें उनका पूरा पैसा मतलब रिजर्व्स भी आ गया. क्लियर? देयरफोर इक्विटी इज इक्वल टू डैश अमाउंट 25 लाख. देयरफोर इक्विटी इज इक्वल टू 25 लाख. इक्विटी इज इक्वल टू 25 लाख बिकॉज नेटवर्थ कितना था? 25 लाख था. अपन ने बोला प्रेफरेंस शेयर नहीं है. अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो जितना नेटवर्थ है उतना तुम्हारा इक्विटी है. जिसका अमाउंट नेटवर्थ का कितना था? 25 लाख. तो इक्विटी का अमाउंट कितना आएगा? 25 लाख. सिंस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी इज इक्वल टू 3/1, देयरफोर डेट इज इक्वल टू 3/25 लाख विच इज इक्वल टू 75 लाख. डू यू अग्री? देयरफोर डेट इज इक्वल टू 3/25 लाख विच इज इक्वल टू 75 लाख. तो डेट आ चुका है 75 लाख रुपीज. क्यों निकाले हमने डेट? क्वेश्चन में ये दे रखा है आपका ईबीआईटी, ये आपको दे रखा था ईबीआईटी क्वेश्चन में. इसमें से बस माइनस कर लो इंटरेस्ट तो मिल जाएगा ईबीटी. आपका फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी. मतलब एक्चुअली क्वेश्चन में न्यूमरेटर रेडी था, आप बस डिनोमिनेटर ढूंढ रहे हो. और डिनोमिनेटर के लिए मुझे जरूरत थी इंटरेस्ट अमाउंट की. तो इंटरेस्ट अमाउंट निकालना अब आसान है, बराबर. देयरफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 75 लाख का डेट इंटू 12% विच इज इक्वल टू कितना? 9 लाख. विच इज इक्वल टू 9 लाख. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9 लाख. देयरफोर डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी बाय ईबीटी. ईबीआईटी क्वेश्चन में प्रिंटेड है 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख माइनस 9 लाख. ऑब्वियसली 11 लाख विल बी योर डिनोमिनेटर. 20/11 करोगे अगर आप, 20/11 करोगे अगर आप, तो आपका आंसर आता है 1.82 टाइम्स. 81 है ना वो, तो ऑब्वियसली राउंड ऑफ करके 82 होगा वो. आप समझा अच्छे से पीछे? सबको समझ गया? अभी जो लोग कमेंट सेक्शन में, एक दो लोग थे नहीं समझा सर बोल रहे थे. आप समझ गया ऋषभ? नहीं, आज ऋषभ चोपड़ा है, जैन नहीं, आज ऋषभ चोपड़ा है. वेरी गुड. चलिए, करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स इज टोटल असेट्स. माइनस करना पड़ेगा बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग
एंड करंट लायबिलिटी। अगर नेटवर्थ निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये आ गया टोटल। माइनस करना पड़ेगा करंट लायबिलिटी, माइनस करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, तब जाके मिलेगा ऊपर वाला पार्ट नेटवर्थ, बराबर। ग्रेट, ऋषभ जैन बोल रहे मुझे तो आ गया सर। चलिए तो ये पार्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, 7th क्वेश्चन, क्लियर गाइस? ओके, अब एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर आते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आते हैं। All of you, आपके एक्स्ट्रा पेज पे आ जाओ, आपके एक्स्ट्रा पेज पर आ जाओ और यहां पर आप लिखोगे अभी तक तो इजी लग रहा है सर, अरे पूरा एफएम इजी जाएगा भाई, टेंशन मत लो। चलिए पूरा एफएम इजी जाएगा, ये मेरा वादा है, बस आप इस तरीके से जुड़े रहिए और होमवर्क जरूर कीजिए, ठीक है? अब एक्स्ट्रा पेज पर भी हमें स्पेस मैनेजमेंट अच्छा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, Should the DOL of a firm be high or low preferred? Question क्या है दोस्तों? Should the DOL of a firm be high or low preferred? एक firm का DOL high preference में रहना चाहिए या low preference में रहना चाहिए? हाफ नॉलेज इज डेंजरस। पहले आप समझ लीजिए कि DOL कब बढ़ता है और कब वो घटता है, ठीक है? पहले समझ लीजिए वो पॉइंट। व्हाट इज DOL बेसिकली? आपको लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, DOL क्या है? तो आप ले रहे हो एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट, उसे आप बोलते हो DOL। ऑल ऑफ यू अग्री? ऑल ऑफ यू अग्री? यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट विच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है? अब जरा फोकस कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज एक फर्म का फिक्स कॉस्ट 1 लाख था तो उसका DOL कुछ आया रहेगा। चलो कल वाला एग्जाम्पल देखते हैं जरा, कल वाला एक एग्जाम्पल लिया था ना अपने, एग्जाम्पल ऑफ DOL लिया था, देखो याद है? ये देखो इधर, इधर फिक्स कॉस्ट कितना है? 1 लाख है, बराबर। 1 लाख का फिक्स कॉस्ट है, DOL कितना है आपका? 1.5 टाइम्स आया, दिख रहा है क्या आपको? 1.5 टाइम्स, कल का एग्जांपल ही है जो अपने साथ में सॉल्व किया था, ठीक है? अब अगर ये 1 लाख का फिक्स कॉस्ट में 2 लाख कर दू, 2 लाख्स, तो जस्ट ओरली बताओ क्या होगा? EBIT विल बिकम 1 लाख, बराबर है कि नहीं? एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT करेंगे अगर हम लोग, which is the formula for DOL, तो contribution is 3 lakhs, new EBIT is 1 lakh, my answer comes to 3 times. अभी का answer कितना नजर आ रहा है? 1.5. अब जो change कर रहे उससे answer कितना आ रहा है? 3 times. All of you there? समझ रहे सबको? Okay. तो मैंने fixed cost को बढ़ाया और मेरा DOL भी बढ़ा। अगर fixed cost बढ़ रहा है तो DOL बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट ऑब्वियसली घटेगा तो DOL भी घटना चाहिए, वाइस वर्सा, ठीक है? कम से कम फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 0. कम से कम फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 0. एक फर्म का कमिटमेंट ही नहीं रहेगा कुछ भी, पूरा का पूरा कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ इस सेम क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में, अगर वो 1 लाख की जगह आप 0 फिक्स कॉस्ट ले लेते हो तो नीचे का आपका EBIT कितना आएगा? 3 लाख आएगा, एवरीवन 3 लाख आएगा, तो फिर आपका नया DOL 3 लाख बाय 3 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT 1 टाइम आएगा।
कुछ समझा क्या? मैंने आपको बोला था कि आपके लेवरेजेस वन से नीचे नहीं आते, दिख रहा है आपको? फिक्स कॉस्ट बढ़ा, डीओएल बढ़ा, फिक्स कॉस्ट घटा, डीओएल घटा। कम से कम फिक्स कॉस्ट कितना होगा? जीरो। माइनस में तो नहीं होता है ना भाई? नहीं होता है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में आपका जीरो फिक्स कॉस्ट लेने के बावजूद भी आपका जो डीओएल है वो वन टाइम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन टाइम डीओएल? 1% चेंज इन सेल्स, 1% चेंज इन ईबीआईटी। रिपीट विद मी, 1% चेंज इन सेल्स, 1% चेंज इन ईबीआईटी। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, आर यू गेटिंग एडवांटेज? नो। तो लेवरेज नहीं है, उसकी वैल्यू वन है। लेवरेज नहीं है तो जीरो नहीं होता, लेवरेज नहीं मिल रहा है तो वैल्यू वन होता है। आर यू क्लियर? एक बार फिर से, फिक्स कॉस्ट बढ़ा, डीओएल बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट घटा, डीओएल घटेगा। कम से कम फिक्स कॉस्ट जीरो, तो फिर उस केस में कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी का नंबर सेम। अब अगर नंबर ही दोनों के सेम है तो आंसर वन आएगा। वन ड्यूएल मतलब यू आर नॉट गेटिंग एनी एडवांटेज। आर यू क्लियर? बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी फिक्स कॉस्ट। अरे वो अपने डायग्राम में अगर देखा जाए, वो जो मैन लिफ्टिंग स्टोन था उसमें फैलक्रम ही नहीं है, तो तुम्हारा लीवर किस पर रेस्ट होगा? किसी पर नहीं रेस्ट होगा। तो तुम्हें एडवांटेज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझा एवरीवन? तो अब जरा सोच के बताओ, शुड द ड्यूएल ऑफ अ फर्म बी हाई प्रेफर्ड और लो प्रेफर्ड? बिकॉज इफ ड्यूएल इज हाई, फिक्स कॉस्ट इज हाई, ड्यूएल इज लो, फिक्स कॉस्ट इज लो। क्या लगता है आपको? यस, ड्यूएल शुड बी लो प्रेफर्ड। कितना लो? ध्यान से सुनो, सबसे लो नहीं बोल सकते आप, सबसे लो तो जीरो हो जाएगा, तेरे को एडवांटेज ही नहीं मिलेगा। ड्यूएल शुड बी लो प्रेफर्ड सच दैट, ध्यान से सुनो, सच दैट यू शुड हैव सफिशियंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोला? सफिशियंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है सर? कॉस्टिंग वाले लोग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? सबको समझा क्या? हाँ समझा क्या? हाँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट जो आपने कॉस्टिंग में सीखा वही कंसेप्ट है। बट एज आई प्रॉमिस यू कि कुछ भी कहीं पर भी सीखेगा तो मैं फिर से सिखाऊंगा, तो यहां पर भी डिस्कस करेंगे अपन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्चुअल सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन वाला सेल, एक ऐसा सेल जहां पर रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों सेम होते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मगर आपका एक्चुअल सेल उससे ऊपर हो सकता है, सही है कि नहीं? आपका एक्चुअल सेल उससे ऊपर हो सकता है, तो ये डिफरेंस को बुलाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो डायग्रामेटिकली समझो और फिर मेरे साथ लिखना आप। पहले डायग्रामेटिकली समझ लो, हम बोलेंगे ड्यूएल ऑफ अ फर्म शुड बी डैश प्रेफर्ड लो प्रेफर्ड, क्योंकि उल्टा सोचते, इफ ड्यूएल इज हाई प्रेफर्ड व्हाट विल हैपन? इफ ड्यूएल इज हाई, फिक्स कॉस्ट विल बी मोर, मतलब मेरा रेंट जो है, मैं छोटे क्लासरूम के रेंट की जगह बड़े क्लासरूम का रेंट बेयर कर रहा हूं, माई फिक्स कॉस्ट विल बी मोर। कुछ लोग बोलते हैं सर फिक्स कॉस्ट अप एरो क्यों कर रहे हैं सर, फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होता। भाई किसने बोला नहीं होता चेंज? आफ्टर अ गिवन कैपेसिटी चेंज होता है वो, बराबर ना? फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड विद इन अ गिवन कैपेसिटी, करेक्ट? अब ये रेंट है, अब मैंने ये छोटा क्लासरूम लिया मेरा रेंट कम रहेगा, मैंने ये इतना बड़ा क्लासरूम ले रखा तो ऑब्वियसली मेरा रेंट ज्यादा ही रहेगा ना, समझा कि नहीं? तो फिक्स कॉस्ट मैंने क्या किया है, ज्यादा रखा है। क्यों ज्यादा रखा है? बिकॉज ड्यूएल ज्यादा है, ड्यूएल ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहेगा। फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा रहेगा दोस्तों, तो दो मिनट के लिए पहले यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला। सपोज ये मेरा सेल्स चार्ट है, यहां पर जीरो सेल्स है, नीचे सबसे नीचे जीरो सेल्स है, यहां पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, और ऊपर यहां पर मेरा एक्चुअल सेल्स है। तो इन दोनों के गैप को हम क्या बुलाते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बुलाते हैं, बराबर कि नहीं? इसको क्या बुलाते हैं आप? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बुलाते हैं। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स,
नाउ अगर मैं बोल रहा हूँ कि ड्यूएल अप पैरो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अप पैरो, तो टोटल कॉस्ट भी तो अप पैरो हो जाएगा। क्यों सर? फिक्स कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। आप बोल रहे हो टोटल कॉस्ट बढ़ गया तो फिक्स कॉस्ट बढ़ गया तो टोटल कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। एवरीवन, अगर टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा ना, तो आपका नया ब्रेक इवन पॉइंट कहीं तो इधर आएगा, बीपी वन। अगर ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये गैप इन दोनों के बीच का, जिसको आप बोलते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर जाएगा तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा। डू यू अग्री? इज दिस गुड फॉर योर कंपनी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होना मतलब थोड़ा भी सेल फ्लक्चुएट हुआ तो तू लॉस में जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है बीपी के नीचे लॉसेस होते, बीपी के ऊपर प्रॉफिट होता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अभी का सेंटेंस रिपीट करो, नहीं खा ले पहले तू, क्या बोला बोलो? बीपी के ऊपर प्रॉफिट, बीपी के नीचे लॉस होता है। एट बीपी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर भेजकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नीचे क्यों करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे हमारा DOL हम हाई रखना पसंद नहीं करेंगे। अगर DOL हाई रहेगा तो कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं हमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हुआ तो क्या फर्क गिरेगा सर? रिस्क बढ़ेगा, ज्यादा ही रिस्क बढ़ जाएगा। कैन यू इमेजिन? ज्यादा रिस्क कंपनी के लिए अच्छा होता है क्या? नहीं, बैलेंस्ड रिस्क होना चाहिए। रिस्क ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिस्क बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी। समझ गया? तो यहां पर आप लिखोगे आंसर, पहले आप लिखोगे ड्यूएल शुड बी लो प्रिफर्ड ड्यूएल शुड बी लो प्रिफर्ड such that dual should be low preferred such that there is sufficient margin of safety, there is sufficient margin of safety। नीचे लिखो because if अब नीचे का एक्सप्लेनेशन लिखकर राइट साइड डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। बिकॉज इफ ड्यूएल अप इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अप, मैंने आपको बताया कैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ने के बाद ड्यूएल बढ़ रहा है। तो आप जब बोल रहे हो ड्यूएल ज्यादा है मतलब ही आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। सो ड्यूएल अप इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अप इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अप। टोटल कॉस्ट अप होगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट अप जाएगा, बीपी अप, और बीपी अप जाने से आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी डाउन आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल कम डाउन, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम आना मतलब ही ऑब्वियसली रिस्क बढ़ गया। करेक्ट? कैन यू सी दिस विजिबल? नाउ डायग्रामेटिकली जो ड्रॉ करना है उसमें आपको सेल्स चार्ट लिखना है नीचे, सेल्स चार्ट। ये आपका सेल्स चार्ट है, यहां पर सबसे नीचे जीरो सेल्स है, ध्यान दे रहे हो? लास्ट बेंच जीरो सेल्स है, उसके ऊपर आपका ब्रेक इवन पॉइंट वाला सेल है, और सबसे ऊपर आपका एक्चुअल सेल है। तो पहले बीपी वन मत ड्रॉ करना, पहले ओरिजिनल बीपी और एक्चुअल सेल ड्रॉ करना। ओरिजिनल बीपी और एक्चुअल सेल के गैप को क्या बुलाओगे? ओरिजिनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि आपको कम नजर आ रहा है या ज्यादा है? ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है? ओरिजिनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है,
क्योंकि आपका एक्चुअल सेल ऊपर था और आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे था, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा नजर आ रहा है। बट क्योंकि यहां पर आपने बोला कि टोटल कॉस्ट बढ़ाने से ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा, तो योर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट विल बी बीईपी वन। बीईपी वन जो है वो बीईपी के ऊपर गया, और अगर बीईपी वन ऊपर गया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो गया, तो न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी लेस स्मॉल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम रहना अच्छा नहीं है। ये पॉइंट समझ गया सबको, जो भी अभी डिस्कस किया समझा क्या सबको? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर जा रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नीचे आ रहा है, हम बोलेंगे डीओएल आप पैरों मत रखो, डीओएल ज्यादा मत बढ़ाओ, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन विल बी, शुड द DFL of a firm be high or low preferred? Should the yes, Anup, बिल्कुल सही बोल रही है, break even point increase होने से MOS कम होगा, बिल्कुल सही है। तो वही तो किया अपन ने, ब्रेक इवन पॉइंट अप तो एमओएस डाउन। नाउ शुड द डीएफएल ऑफ अ फर्म बी हाई और लो प्रिफर्ड? अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा कंसेप्चुअली पहले समझ लेते फिर आगे बढ़ते। आप एग्जांपल को देख लो एक बार, डीओएल के एग्जांपल के बाद कल हमने देखा था डीएफएल का एग्जांपल, करेक्ट? और ये एग्जाम्पल में हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना लिया था, हमने कितना लिया था 1 लाख। फाइनेंशियल लिवरेज मतलब इंटरेस्ट ना, टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 लाख पर फोकस करो, वो 1 लाख की वैल्यू को आप अगर 2 लाख बना दो, 2 लाख ज्यादा हो जाएगा, 1.5 बना दो, तो नीचे कितना आएगा 50,000 आएगा। तो फिर आपका डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी बाय ईबीटी से आंसर 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 करोगे 4 टाइम्स आएगा। कल का आपका आंसर आया था 2 टाइम्स। आपने अभी अभी मेरे साथ क्या किया, ओरली इंटरेस्ट को बढ़ाया, और आपने देखा ओरली कि आपका डीएफएल बढ़ गया, 2 टाइम्स के जगह 4 टाइम्स हो गया। कर रहे हो कैलसी पर या समझ रहे हैं ना, आपको सबको समझ रहे हैं ना? तो मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट जो 1 लाख था उसको 1,50,000 कर दिया। 1,50,000 करने से मेरा नीचे का आंसर जो ईबीटी आता है वो 50,000 आया। ईबीआईटी बाय ईबीटी करेंगे दैट इज 2 लाख बाय 50,000 करेंगे तो आंसर 4 टाइम्स आया। ओरिजिनली कल वाले एग्जांपल में आंसर 2 टाइम्स था, अभी अभी हमने फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ाया और हमारा डीएफएल बढ़ गया। बाय द वे ये इंटरेस्ट अमाउंट था, ये इंटरेस्ट रेट नहीं था, ये इंटरेस्ट का अमाउंट था। आर यू क्लियर? मैंने जो अभी अभी 1 लाख का 1,50,000 किया है, क्या हमने 10% का रेट चेंज किया? क्या मैंने आपको बोला कि 10% का रेट बढ़ेगा? नहीं, मैंने बोला इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ाओ, ठीक है, मतलब ही डेट बढ़ाना, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर यही इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए, डेट कम है इसलिए इंटरेस्ट कम है इसलिए डीएफएल भी कम आएगा, मतलब वो फिक्स कॉस्ट जैसे ही हो गया, हायर फिक्स कॉस्ट हायर डीओएल, वैसे ही हायर इंटरेस्ट हायर डीएफएल एंड वाइस वर्सा। यहां तक सबको समझा? ओके। अब वहां पर आपने लो क्यों प्रेफर्ड बोला? आपने लो इसलिए प्रेफर्ड बोला आपने डीओएल, ध्यान है क्या सबका कि लो डीओएल इसलिए बोला था तुमने क्योंकि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो रहा था। यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट देने में मुझे दिक्कत रहेगी या नहीं रहेगी? क्यों रहेगी? माइक है किसी के पास? इधर पास कर। पीछे? हाँ बोलो।
इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हमको उनको पेमेंट करना ही पड़ता है, तो हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा तो भी हमको उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो रिस्क बढ़ जाएगा कंपनी का, रिस्क बढ़ जाएगा। और जो हम लोग रीपेमेंट भी करते हैं उनको, रीपेमेंट जो करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट वाला, ओके सर, अर्निंग पर शेयर भी कम हो जाएगा उससे, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। और क्या देखो, आप एक बात अज्यूम कर रहे हो, ध्यान से समझो अभी सब लोग, हमें हायर इंटरेस्ट देने में कोई दिक्कत है या नहीं है? डिपेंड्स। क्या बोला मैंने? डिपेंड्स। बोलो, ज्यादा इंटरेस्ट से टैक्स शील्ड ज्यादा मिलेगा? टैक्स शील्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी एज ऑफ नाउ। माइक में बोलो। हाँ सर, कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, तो ये करने से ईपीएस गिर जाएगा ना? ये करने से ईपीएस गिर जाएगा। क्या किया आपने ऐसा जो आप ईपीएस मेरी कंपनी का गिरा रहे हो? सर, इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो ईपीटी कम हो जाएगा। भाई इंटरेस्ट क्यों बढ़ा मैडम? डेट बढ़ गया। डेट बढ़ गया तो डेट बढ़ने से मेरी कंपनी का फंडिंग भी तो बढ़ेगा, तो मेरी कंपनी का फंडिंग बढ़ने से मेरी कंपनी का प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। नहीं ना सर, डेट क्या हमने लिया और तिजोरी में रखा है? हमने उस पैसों को इन्वेस्ट किया रहेगा बिजनेस में, जिससे हमारी कंपनी का ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा रहेगा ना। तो ध्यान से सुनो, एक्चुअली आपका नाम क्या है? रुचि। और आपका? इशिका। तो ऐसा हुआ कि वन फाइन डे आई वॉज सिटिंग इन द ऑफिस और रुचि मेरे पास आई, और रुचि मुझे बोलती है कि सर मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन है सर, और मुझे ना अर्जेंटली एक पेमेंट करना है, आपने प्लीज मुझे 1,00,000 रुपए दे दो ना सर, 1,00,000। मैंने बोला यार रुचि, 1,00,000 बड़ी कीमत होती है बेटा, क्या ऐसा काम है? उसने मुझे सब समझाया और जेन्युइन रीजन था, इसलिए मैंने उसको बोला कोई बात नहीं बेटा ये ले लो। और उसने बोले कि उसने क्या बोला कि मेरे पापा मम्मी जो है ना यूएस गए, तो अभी है ना आने में उनको 1-1.5 महीना टाइम लग जाएगा सर, चलेगा क्या? मैंने बोला इट्स ओके, बट सुनो, क्योंकि मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ तो मैं आपको इंटरेस्ट फ्री नहीं दे सकता हूं, और मैंने बोला कि 4% इंटरेस्ट लूंगा मैं, जस्ट उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने फेवर किया, एट द सेम टाइम उसने जल्द से जल्द रीपेमेंट करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला 4% इंटरेस्ट। उसने बोला ओके सर, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट सर। हाँ, और 1,00,000 रुपए मतलब 500-500 के दो बंडल दे दिए उसको, और उसके बाद वो जस्ट ऐसे पैसा ली और नीचे प्रेस्टीज पॉइंट से जा ही रही थी कि उसको इशिका मिल गई। और इशिका बोलती है कि अरे रुचि इतना पैसा, तो रुचि ने समझाया कि प्रशांत सर से लिया है, और उसने बताया, सुनो 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 एक मिनट, उसने बताया क्या रीजन था, सब लोग ध्यान दो इधर, फोकस इधर को, तो उसने रीजन बताया इशिका को कि क्या रीजन से मैंने पैसा दिया वगैरह, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया वो भी बताया। ओके, तो इशिका बोलती है रुचि देख, तेरा जो रीजन है वो जेन्युइन है, बट एक काम कर, सुन मेरी बात, ये इमोशन साइड साइड में रख, अपन ये पैसों को ना 12% से इन्वेस्ट कर सकते, मेरे पास सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बताऊंगा बैंक का क्या लॉजिक है जिससे, या म्यूचुअल फंड का क्या लॉजिक है जिससे कंफर्म तुझे एक स्कीम में पैसा डबल तो नहीं मिलेगा 21 दिन में, बट 12% का रिटर्न मिलेगा। तो इस केस में उसने क्या बोला, हमें इस पैसों पर 12% मिल सकता है, मतलब उसने पार्टनरशिप कर ली, और क्या बोल रहे हैं कि भाई 4% से बोरो किया था, 12% का रिटर्न मतलब सीधा सीधा 8%, करेक्ट प्रॉफिट, मगर 4-4% बढ़ जाएगा, आइडिया उसका था, पैसा इसने लिया, सही है ना? तो ये सब हुआ, और रुचि गई उधर देखी, रुचि ने को लगा कि यार कंफर्मली इन्वेस्टमेंट एकदम सेफ है, और जैसे ही पता चला उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ श्रेयस? तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ सुनो, अभी इशिका चली गई घर,
और रुचि भी जा रही थी, तो रुचि को लगा कि अरे यार 12% में 4% कॉस्ट था, 8% का प्रॉफिट था, इसको आधा देना पड़ा। अब ये तो चली गई है, मगर प्रशांत सर तो अभी भी ऑफिस में, तो एक काम करते सर के पास फिर से जाते और पैसा मांगते। मन में लड्डू फूटा। आई वो मेरे पास वापस, हार्डली उसको गए हुए एक आध घंटा हुआ रहेगा, और 1 आवर के बाद वो वापस आती है, बोलती है प्रशांत सर सुनो ना, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है। भाई ये सुनकर तो मेरा एकदम मतलब दिमाग ही घूम गया। मैंने बोला यार 1 घंटे पहले लड़की को मैंने 1,00,000 रुपए दिए थे और अभी आके पूछती है कितना पैसा है। मैंने बोला क्या हुआ रुचि, तो बोलती है सर आप ना एक काम करो, आप 4% नहीं आप 6% ले लो, बोलो आप कितना दे सकते हो। मैंने बोला देख बेटा तुझे जरूरत थी इसलिए मैंने 4% से दिया था, मैं भी फाइनेंस का बंदा हूं, और अगर पैसों की बात है और इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर तू बोल रही कितना पैसा है तो तू बोल कितना चाहिए, मैं 16% लूंगा, आप तू बता कितना चाहिए, कितना चाहिए बेटा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो इमीडिएटली क्या बोलेगी मालूम है, नहीं चाहिए सर, अरे सर मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस हो गए। हाँ, और बोलेगी सर बस थैंक यू वेरी मच बोलना था, वापस आई थी इसलिए, बाय सर बाय बोलेगी, निकल जाएगी। और बोलेगी 16% मांग रहा है ना, समझा। अब ऐसे सिनेरियो में अगर मैं फर्स्ट केस के साथ जाऊं और अगर वो आती और मुझे बोलती कि जी आपके पास कितना पैसा है, आप 6% से ले लो, जितना भी इंटरेस्ट लेना है आप बताओ कितना पैसा है, मैं अगर इसको बोलता कि मेरे पास 1,00,000 रुपए है, लेती थी आप 6% से? यस, लेते थे ना ऑब्वियसली, क्योंकि 1,00,000 इन्वेस्ट करेंगे 12% से और कॉस्ट आ रहा है सिर्फ 6% एक्स्ट्रा, पूरा 6% उसका। बट जैसे मैंने 16 बोला, उसने बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोला, मतलब मुझसे डेट लिया क्या उसने? नहीं लिया। फर्स्ट केस में डेट लिया था क्या? यस। और लेने को तैयार थी क्या? यस। बट सेकंड केस में नहीं लिया। क्या रीजन है ये सब? मतलब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? रेट ऑफ रिटर्न के साथ कंपेयर कर रहे हो, करेक्ट। तो फ्रेंड्स जब हम लोग बोलते हैं DFL ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, या इंटरेस्ट आप अमाउंट टर्म्स में ज्यादा भरोगे या कम भरोगे, तो ऐसे सिनेरियो में ना आप कभी भी ये देखते हो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है इन्वेस्टमेंट पर, जिसको फाइनेंस की भाषा में ROI बोलते हैं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सुस्त मैडम को क्या हो गया, जिंदगी में कोई त्रास है क्या मैडम? ठीक हो ना सब? हाँ, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा रहेगा और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट्स अगर कम रहेंगे, तो बोलो 1,00,000, 2,00,000 जितना लेना बोलेंगे वो बोलेंगे दे दो सर, आपकी जितनी हिम्मत है उतना दे दो, बराबर। जब आपका इंटरेस्ट रेट 4 है और आपके रिटर्न्स 12%, इंटरेस्ट रेट 6 है रिटर्न्स 12% है, जितना मैं पैसा दू उतना लोगे क्या? यस। बट जैसे ही मैंने बोला 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली दैट 16 इज मोर एंड दैट 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज लेस, तो इन्होंने बोला नहीं नहीं मत दो, नहीं चाहिए। कुछ रिलेशनशिप समझ रही है? क्या बिजनेस में ऐसा होता है? चलो 2 मिनट के लिए सोचते हैं, सिनेरियो चेंज, ये बिजनेस वाले लोग है और मैं बैंक हूं, ये बिजनेस वाले लोग है और मैं बैंक हूं, आप बोलिए गाइस क्या होगा? जब जब बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा और इनका ROI कम रहेगा, ये लोग मुझसे बोरोइंग नहीं करेंगे या तो कम करेंगे, मजबूरी रहेंगी तो कम करेंगे। बट जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ कोई बात नहीं सुन लो इधर, जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा मगर इनका ROI ज्यादा रहेगा, तब ऑब्वियसली ये लोग बोलेंगे जितना डेट लेना है ले लो, समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? तो ये जो DO, ये जो आपका DFL है, ये हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए बॉस? क्या करना पड़ेगा इसको? 2 चीजों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। आप बोलोगे डिपेंड्स, किन 2 चीजों के साथ कंपेयर करोगे?
ROI एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन व्हाट? डेट. डेट पर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कंपेयर करोगे आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के साथ. समझ में आया पूरा? चलो लिखते हैं. शुड द DFL ऑफ द फर्म इज शुड बी हाई और लो प्रेफर्ड, तो अपन बोलेंगे यहां पर DFL depends on number one, return on investment. Return on investment bracket में लिख दो ROI and rate of interest. Return on investment ROI and rate of interest. मैं dictate कर रहा हूं, don't worry, आपको screen की जरूरत नहीं है, आप इधर ध्यान दो. ठीक है, return on investment ROI and rate of interest. Very good. तो अब यहां पर हम बोलेंगे if ROI is greater than rate of interest, you know, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? जब आपके बिजनेस के रिटर्न्स ज्यादा है और मेरे मैं डेट प्रोवाइडर हूं, आपका बैंक हूं या आपका डिबेंचर होल्डर हूं, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और आपके बिजनेस के रिटर्न्स ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज. क्या बोलते हैं? बोलो, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज. तो आगे लिखेंगे इफ ROI ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट डैश DFL इज फेवरेबल. DFL इज फेवरेबल एंड इट शुड बी डैश प्रिफर्ड. High or low? It should be high preferred. I hope सबको conceptually समझ रहा है. Then, जैसे ये point लिखा वैसे ही नीचे point लिखेंगे. If if ROI is less than, greater than less than sign समझता ना, उसमें किसी को confusion है तो मेरे को class के बाद मिलो, मैं समझा दूंगा. Actually हंसने की क्या बात है, उसमें confusion तो हो सकता है ना, कितने लोगों को होता है? Honestly raise your hand. 1, 2, 3 होता तो है. 4, 5 चलो. मैं ना मेरे डॉटर्स को पढ़ाते वक्त जैसे पढ़ाता हूँ वैसे बताता हूँ. ठीक है, ऐशा अनाया, इनको पढ़ाते वक्त मैं जैसे पढ़ाता हूँ वो लॉजिक से बता रहा हूँ आपको. ग्रेटर देन जो होता है, सपोज ये और ये लेफ्ट और राइट है, इसमें कौन सा ग्रेटर देन है? जहां मगरमच्छ क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर देन है, और जहां उसकी टेल है वो छोटा है. अब याद रहेगा क्या? हर वक्त याद रहेगा क्या? जहां पे क्रोकोडाइल का मुंह ओपन है वो ग्रेटर देन है उस साइड, और जहां टेल है वहां पे स्मॉलर. क्लियर भाई? इससे ज्यादा बेसिक से और क्या मैथ सिखाएंगे आप? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. तो If ROI is less than लिखा है नीचे अभी, बराबर क्या? ROI के उधर टेल चला गया ना, और माउथ का ओपन हो गया क्रोकोडाइल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या बड़ा हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट. और क्या छोटा हो गया? ROI. तो फिर ऐसे केस में DFL इज अनफेवरेबल. DFL इज अनफेवरेबल एंड इट शुड बी लो प्रेफर्ड. एंड इट शुड बी लो प्रेफर्ड. चलो सही है, यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? तो अब अगर नथिंग गिवन बोला तो हम बोलते हैं DFL इज फेवरेबल.
कुछ नहीं बोला, इसका मतलब DFL इज फेवरेबल। वाई सर? बिकॉज अगर तू डेट ले रहा है तो एटलीस्ट तू इतना तो देख के ले रहा होगा ना कि तेरा कॉस्ट कम होना चाहिए और तेरे रिटर्न्स ज्यादा होने चाहिए। ये तो अपन डे वन से बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए और रिटर्न्स ज्यादा होना चाहिए। सही क्या रुचि? क्या बोला? क्या हाँ, क्या हाँ, क्या बोला? वही बात। DFL फेवरेबल, DFL अनफेवरेबल। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो एक क्या क्या देखो, कोई भी प्रोजेक्ट जो होगा, ध्यान से सुनो। अब रियल लाइफ में हम जा रहे हैं, सपोज मैं बैंक हूं, आपका नाम क्या? हर्ष का बिजनेस है, हर्ष एज ए बोरोअर मेरे पास आ रहा है और मैं हर्ष को बोल रहा हूं भाई तुझे लोन चाहिए तो 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हर्ष हो गया कंफ्यूज, बोलता है कि 11% आपका इंटरेस्ट रेट तो पता चल गया बट मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे रिटर्न्स तो फ्यूचर में मिलेंगे, करेक्ट है कि नहीं? तो फिर कैसे डिसाइड करें कि मुझसे बोरो करना है या नहीं करना है? DFL फेवरेबल है या एडवर्स है? तो भाई हर्ष, जब तू एक बिजनेस आइडिया लेकर आया है दिमाग में तो कोई ना कोई ROI कैलकुलेशंस तो रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हर्ष को पूछेंगे तो हर्ष बोलेगा सर मेरा एक बिजनेस आइडिया, सर यहाँ पे जो कॉफी छोटे छोटे ऐसे स्टॉल खोलने, मुझे शहर में सब जगह आजकल खुल रहे ना कॉफी कियोस्क, राइट? क्या नाम है ब्रांड का? चाय वाला? नहीं नहीं, वो छोटा एक स्टॉल रहते ना आजकल कॉफी, स्ट्रीट कॉफी, स्ट्रीट कॉफी, स्ट्रीट कॉफी नाम का एक कॉफी कियोस्क होता है छोटा सा। सपोज हर्ष का ये बिजनेस आइडिया है तो आप बोलो हर्ष आपको ऑब्वियसली कॉफी बनाकर लोगों को पिलाने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको अल्टीमेटली उसमें से पैसा बनाना है। तो आपने ये बिजनेस प्लान जब सिलेक्ट कर चुके थे तो आपको इस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पहले से पता होगा। अब वो अलग स्टोरी है कि रियल में थोड़ा वैरी हो सकता है बट आपको अंदाजा तो आ जाता है। बस उसी एक्सपेक्टेड ROI को तुम मेरे एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर कर लो, समझे? और रियल लाइफ में आपका ROI थोड़ा वैरी हो सकता है। तुम्हारा एफिशिएंसी अगर ज्यादा रहेगा तो ROI बढ़ेगा, तुम्हारा बिजनेस का एफिशिएंसी अगर कम रहेगा तो ROI घटेगा। अच्छा मेरा भी तो रेट ऑफ लैग आ गया कुछ शायद, डोंट वरी ऐसा इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट होता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ाता हूं, डोंट वरी, ठीक है? आप सब लोग हमारे साथ हो और हम आपको साथ लेकर चलेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई इट ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पर ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। यॉर्निंग मत करो उधर लास्ट बेंच पे बैठकर, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 6 कैलसी पर सॉल्व करना। ऐप पर लैग नहीं आया बेटा? जस्ट रिफ्रेश योर ऐप और वीडियो ऑडियो सब आ जाएगा। ओके, अगर कोई ऐप में प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पर आ जाइए, कोई बात नहीं। फाइव टाइम्स स्ट्रीट कैफे वाला एग्जांपल फिर से बोलो ना, बोल रहे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। ओके नो प्रॉब्लम, तो स्ट्रीट कैफे वाले एग्जांपल में
हर्ष का आइडिया था कि बिजनेस स्टार्ट करना है। हर्ष ने एज अ बैंक मुझे अप्रोच किया लोन के लिए। ये देखिए एक्स्ट्रा पेज में आपको किधर तक लिखना था, तो इधर तक लिखना था। आपको कैसे समझेगा अभी मुझे पता नहीं, बट देख लो एक्स्ट्रा पेज में। मुझे लगता है मैंने हाफ पेज तक लिखा है, हाफ पेज अभी बाकी है। ठीक है, तो स्ट्रीट कैफे वाले का कॉफी वाले का एग्जाम्पल में वॉल्यूम आ रहा है क्या यूट्यूब पर, एक बार चेक करो वॉल्यूम वगैरह सब कुछ है क्या यूट्यूब पर। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, यूट्यूब पर भी आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो अनिकेत आपका जो डिवाइस है ना उसमें वॉल्यूम का बटन होता है बेटा, वो तुम्हें बढ़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सब सिस्टम ऑन है, तीन तीन टैबलेट मोबाइल सब कुछ है मेरे सामने और मुझे क्लियरली आवाज आ रहा है। चलिए, तो स्ट्रीट कैफे वाले कॉफी वाले एग्जाम्पल में अगर हर्ष को लग रहा है कि उसका बिजनेस का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20-22% है, तो मुझसे वो 11% से बोरो कर सकता है। उसी को हम बुला रहे फेवरेबल लेवरेज। और अगर हर्ष को लग रहा है कि उसका कॉफी का बिजनेस, कॉफी उसका पैशन है, बट कॉफी के बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका 10% एक्सपेक्टेड है उसको, और मेरा जो बोरिंग का मेरा डेट लेंडिंग का रेट है वो 11 है, तो विल यू बोरो फ्रॉम मी हर्ष? नहीं। इसका मतलब उस केस में आप बोलेंगे DFL इज अनफेवरेबल। DFL जब जब अनफेवरेबल होता है हम DFL को कम रखते हैं, मतलब ही बोरिंग कम से कम रखते हैं। चलो ये आंसर हुआ क्या, चेक करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, आर्या लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 2000 यूनिट्स। मतलब एट 2000 यूनिट्स द फर्म विल अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस। सब लोग हैं मेरे साथ? अब बताओ इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर 14 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस है वो पर यूनिट, द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज करेंटली आइडेंटिफाइड द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9 रुपीज पर यूनिट, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स, वॉट डू यू इन्फर मीन्स अंडरस्टैंड मीन्स कंक्लूड। इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड। From the degree of operating leverage at sales volume of 2500 units and 3000 units and their difference if any. तो आप मुझे बताएंगे सब लोग कि आपने इसको सॉल्व किया क्या? आपका आंसर कितना आया? 5 and 3। कितने लोगों का आंसर नहीं आया? नहीं आया। वेरी गुड। क्यों नहीं आया, कहां अटक गया आप? फिक्स कॉस्ट। बट आपको नहीं लगता कि आपको दो लेवल पर ड्यूएल पूछा था, 2500 पर भी पूछा और 3000 पर भी पूछा, तो वो 2000 यूनिट्स कोई तो रीजन से दिया रहेगा। यस, किस चीज के लिए? फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए दिया था वो। आपके पास दो चॉइस है, आप या तो कॉस्टिंग वाला फॉर्मूला यूज करो या तो आप लॉजिक यूज करो कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट अगर 2000 यूनिट्स है तो एट 2000 यूनिट्स हाउ मच EBIT आर यू अर्निंग? बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट अगर 2000 यूनिट्स है तो बाय सेलिंग 2000 यूनिट्स हाउ मच प्रॉफिट यू आर अर्निंग? EBIT जीरो। तो अगर EBIT जीरो है तो एट 2000 कैन यू कैलकुलेट सेल्स? एट 2000 यूनिट्स कैन यू कैलकुलेट योर सेल्स? यस। At 2000 units, can you calculate variable cost? Yes. For the same level, contribution you will get. And fixed cost you don't know, but you know that EBIT is zero. So guys, if EBIT is zero, contribution and fixed cost should be same. Common sense. Costing ka formula use kiye bagair, usko bypass kar main aapko side se samjha raha hu kaise nikalna answer. वैसे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर आता है, बट किसी ने कॉस्टिंग ही नहीं पढ़ा रहेगा, पढ़ कर भी याद नहीं है, तो मैं आपको दूसरा रास्ता बता रहा हूं। FM के लॉजिक से समझ लो कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट तो जीरो है, मतलब EBIT जीरो है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जितना आया उतना ही आपका फिक्स कॉस्ट आएगा ना, तो उससे भी आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो।
कितना आता है फिक्स कॉस्ट, कितना आया? 10,000 आया। अब सबका आ गया क्या? जिन लोगों ने पहले हाथ ऊपर किया था अब आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो साथ में सॉल्व करते हैं। यहां पर आपको एक स्टिकी नोट का जरूरत गिरेगा शायद, क्योंकि मैंने यहां पर जगह का थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है। कोई बात नहीं, पहले यहां पर सॉल्व करते, ठीक है? 10,000, ओके भाई, ओके 10,000। ध्यान से सुनो अभी। एट बीपी द प्रॉफिट इंटू ब्रैकेट ईबीआईटी इज जीरो, करेक्ट? क्या करना है आपको, फॉर्मूला यूज करना है या लॉजिक? फॉर्मूला भी आपको आता होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपको याद है ना ये? तो उससे भी डायरेक्ट आंसर आता है। क्या करना है आपको, लॉजिक से ही करना है, लॉजिक से, ठीक है, कोई बात। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि फॉर्मूला तो वैसे भी आता है और कॉस्टिंग में कई बार सॉल्व किया जाएगा, लॉजिक से सॉल्व कर लो। एट बीपी द प्रॉफिट दैट इज ईबीआईटी इज जीरो, इट मींस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, इट मींस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। Therefore, for 2000 units, contribution is equal to selling price 14 minus variable cost 9 into 2000. Samjha ki nahi? Selling price minus variable cost gives you contribution per unit into 2000 units. Your answer comes to, therefore contribution comes to, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, contribution is equal to fixed cost is equal to ₹10,000। समझा क्या? Contribution is equal to fixed cost is equal to 10,000। तो अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, calculation of, क्या निकालने बोला उन्होंने, DOL, कैलकुलेशन ऑफ DOL, कैलकुलेशन ऑफ DOL। तो ए पार्ट विल बी सेल्स एट द रेट कितना रुपये पर यूनिट, 14 पर यूनिट, एट द रेट 14 पर यूनिट। लो कैलसी, 2500 इंटू 14 35,000, एंड 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000। आ गया सबका आंसर? आपका आंसर आया क्या? बी पार्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 9 पर यूनिट, तो 9 इंटू 2500 22,500 एंड 9 इंटू 3000 27,000। Everyone with me and getting your answers properly? Therefore, contribution will be A minus B. कितना आएगा? 12,500 and 15,000. So can we say therefore fixed cost 12,500 and 15,000? यस बोल रहे, कूद जाओ खिड़की से बाहर। यस, अरे एड ब्रेक इवन पॉइंट वो लॉजिक था, कमाल करते हो पांडे जी। ब्रेक इवन पॉइंट पे ईबीआईटी जीरो चाहिए, आगे सेल बढ़ेगा तो ईबीआईटी पॉजिटिव आएगा ना। एड ब्रेक इवन पॉइंट वो लॉजिक था, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो यहां पर तो जो फिक्स कॉस्ट पहले निकाला था वही कॉन्स्टेंट रहेगा, 10,000। तो फिर डी पार्ट विल बी फिक्स कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख दो एज अबव, एज अबव, और दोनों जगह आएगा 10,000, 10,000।
therefore E part will be EBIT. EBIT is nothing but C minus T. 2500 5000, and F part will be DOL, degree of operating leverage. कैसे आएगा? C divided by E, contribution divided by EBIT. 5 times and 3 times. सही है क्या दोस्तों? 5 times and 3 times. Everyone? यहां पर परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर लिखा था व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एट बोथ द लेवल. मतलब दोनों लेवल पर आपको ड्यूएल निकालना था, दोनों के बीच में नहीं निकालना था, दोनों लेवल पर ड्यूएल निकालना था आपको. तो अब आपका ड्यूएल आपको दिख रहा है, एक जगह 5 times है, एक जगह 3 times है, बट उसका यू नो इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है. तो स्टिकी नोट यूज कर लो, कोई बात नहीं. और नीचे भी जगह है राइट साइड इधर वाला, ये भी अगर आप बॉक्स करके एज अबव लिख दोगे तो भी चलेगा, है ना? जगह थोड़ा मैनेज कर लो बस, यहां पर भी लिख सकते हैं या आगे भी जगह रहेगा. कहां पर जगह है? ओके, तो ऊपर ये कुछ नहीं लिखा तुमने ऐसा, तो भी जगह है. ओके ठीक है. तो सुनो, अभी आपका ऑपरेटिंग लेवरेज पहले केस में 5 times है और नेक्स्ट केस में 3 times है. पहले आपका सेल्स था 2500 यूनिट्स, लास्ट बेंच नो हेड डाउन. ना दिमाग खराब होता है जब मैं हेड डाउन देखता हूं, तब ऐसे ना मेरे को दिखता है कि आपका फ्यूचर आप फेल होने वाले बेटा, जब आप हेड डाउन करते हो तब. इतना खुद पे सिंपथी आती है ना तो छोड़ दो सीए, खुद पे इतना दया आता है ना तो सीए छोड़ दो. यहां पर हर कोई मोटिवेट होकर पढ़ रहा है, इनके पास कोई बहुत एनर्जी नहीं है गॉड गिवन, या मेरे पास गॉड गिवन एनर्जी नहीं है कि मैं एट दिस एज ऑल्सो मैं खड़े रहकर पढ़ा रहा हूं. तुम में और मेरे में वैसे 4 साल का ही फर्क है, 4 साल मैं छोटा लग रहा हूं तुमसे, क्योंकि आपकी एनर्जी तो डाउन ही है पूरी. हा ना यार, पूरे टाइम लेक्चर्स में मैं खड़े रहकर पढ़ाता हूं, तो आप सोचो 2 घंटे से मैं बड़बड़ भी कर रहा हूं, खड़ा भी हूं, तो मेरे लेवल देखो एनर्जी का. ठीक है, सुन लो अच्छे से अभी, थोड़ मालिक थोड़ मालिक, तो यहां ध्यान दे रहा है ना अभी. हाँ तो सुनो अभी सब लोग, यहां पर कमेंट आ रहा है सर कम सेल्स पर ज्यादा ड्यूएल एंड ज्यादा सेल पर कम ड्यूएल, ऐसा क्यों हुआ? नहीं समझा, मैं वही समझा रहा हूं, उसी को इन्फरेंस बोल रहे हैं अपन लोग, कि यहां पर फर्स्ट केस में 5 times आ रहा है, जब आपका सेल्स कम था आपका ड्यूएल ज्यादा आया, बराबर है क्या? और नेक्स्ट केस में आपका सेल बढ़ा तो आपका ड्यूएल घट गया. तो 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताता हूं मैं आपको, ताकि और बेटर समझे आपको. सोचिए कि ये आपका सेल्स चार्ट है जो अपन ने ड्रॉ किया था ना, वैसे टाइप वाला. यहां पर 0 सेल्स है, और मान लीजिए यहां पर है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, कितना यूनिट्स? 2000 यूनिट्स. ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? लास्ट का 1 मिनट बचा, सब लोग ध्यान देंगे. अब बोलो एक्चुअल सेल्स अगर इधर है, एक्चुअल सेल्स कितना है? 2500 यूनिट्स अगर है तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो इतना सही है. अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो रिस्क ज्यादा है, इसलिए ड्यूएल ज्यादा आया. ड्यूएल इंडिकेट्स व्हाट? रिस्क. ड्यूएल के 2 नाम है, एक एडवांटेज एक रिस्क. तो अगर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है मतलब मेरा रिस्क ज्यादा है, एंड इसीलिए मेरा ड्यूएल भी ज्यादा आया, बिकॉज ड्यूएल इंडिकेट्स ऑपरेटिंग रिस्क. ड्यूएल इंडिकेट्स ऑपरेटिंग रिस्क. सबको समझ रहा है क्या? और अगर ये मेरा एक्चुअल सेल्स में रिवाइज कर ऊपर ले जाऊं, एक्चुअल सेल्स कितना रख दू?
3000 यूनिट्स का रख दूं अगर मैं, तो अब मेरा ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिख रहा है मुझे, आपको समझ रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, इधर बढ़ गया। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है तो तेरा रिस्क कम हो रहा है, इसलिए तेरा DOL भी कम हो गया। वैसे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और DOL में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया था। कहां किया था सर? एक्स्ट्रा पेज पे जाके देख लो आप। ये देखो, DOL जब आपका हाई था तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका लो आया था, तो यहां पर DOL का एक और फॉर्मूला बन सकता है, देयरफॉर DOL इज इक्वल टू 1/ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या फॉर्मूला बन सकता है? DOL इज इक्वल टू 1/ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्स्ट्रा पेज पे जाके लिखो, एंड डोंट वरी, कल इसको और डिस्कस करने वाले हम लोग। DOL इज इक्वल टू 1/ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों लिख रहे सर आप? बिकॉज जब DOL बढ़ता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी घटता है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा रहेगा इनवर्स रिलेशनशिप, तो इनवर्स रिलेशनशिप ऐसी तो लिखते हैं, इसलिए DOL इज इक्वल टू 1/ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 0.2 मतलब 20%, 0.2 मतलब 20%, तो 1/ 0.2 करके डायरेक्टली तेरा 5 टाइम्स का DOL आता है। एग्जाम्पल था, 0.2 कहां से आया मत पूछना, समझा क्या? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या मिल रहा है मुझे? DOL। DOL का एक और फॉर्मूला सीखा हमने, इसका मतलब लेवरेजेस में हमने एक और फॉर्मूला ऐड कर दिया। DOL के 3 फॉर्मूले है, DCL के 3 है और DFL के 2 है। DOL के 2 कौन से थे पहले? परसेंटेज चेंज वाला और नॉर्मल वाला। आज एक और ऐड कर दिया 1/ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। DCL के ऑलरेडी 3 थे, एक परसेंटेज चेंज वाला, एक नॉर्मल वाला और लास्ट वाला DOL इंटू DFL वाला, करेक्ट? एंड DFL के 2 ही फॉर्मूले पड़े अपन ने अभी तक, एक परसेंटेज चेंज वाला, एक नॉर्मल वाला। तो लेवरेजेस के 6+2 = 8 फॉर्मूले हो गए। आज लेक्चर के स्टार्ट में 7 फॉर्मूले थे, अभी 8वां फॉर्मूला, DOL इज इक्वल टू 1/ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, समझा? तो फिर यहां का कंक्लूजन क्या लिखोगे आप? यहां का कंक्लूजन क्या लिखोगे आप? DOL इंडिकेट्स ऑपरेटिंग रिस्क। DOL indicates operating risk. When sales are less, the margin of safety is less, and hence DOL is high. When sales are less, the margin of safety is less, and hence DOL is high, and vice versa. And vice versa मतलब क्या होगा? Reverse is also true. रिवर्स मतलब क्या? कौन सा केस? व्हेन सेल्स आर मोर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज मोर एंड हेंस DOL इज लेस, मींस ऑपरेटिंग रिस्क इज लेस। कंक्लूजन समझा? आई विल अगेन एक्सप्लेन यू टुमारो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर द लॉजिक ऑफ 1/ MOS इज इक्वल टू DOL। आज का आपका काम क्या रहेगा? फॉर्मूला बुक में ये अपडेट करना है, और जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया आज होमवर्क पक्के से करना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।